कहते हैं थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर। क्या नाम है इस प्रोग्राम का? थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर। हम इसको थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर क्यों कहते हैं? इस बेसिकली इस प्रोग्राम का नाम है थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड हेल्दी बॉडी। ये प्रोग्राम जो बनाया गया था तो इसका मतलब खाली हार्ट के हिसाब से नहीं बनाया गया था, और इसमें जो है बेसिकली हमने पिछले 22 साल में ये देखा कि इस प्रोग्राम से जो बीच में 22 साल में लगभग जो हमने पेशेंट्स देखे थे तो हार्ट के पेशेंट्स एंजियोग्राफी के डॉक्यूमेंटेड थे, कि तो खाली हार्ट के पेशेंट खाली हार्ट की बीमारी होती है क्या? ह्यूमन बींग कौन कौन सी बीमारी होती है, और स्पेशली हार्ट पेशेंट को कौन सी बीमारी होती है? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जीआरडी, एसिडिटी, एस्थमा, प्रोस्टेट, नी जॉइंट प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, गर्दन की प्रॉब्लम, और क्या होता है, थायराइड प्रॉब्लम भी होती है, माइग्रेन भी होता है ना, तो दे सफर फ्रॉम मल्टीपल प्रॉब्लम्स। और साथ में क्योंकि इसमें इट इज अ मस्ट के सबको स्पाउस को लेके आना, अगर वाइफ बीमार है तो हस्बैंड को लेके आना, हस्बैंड बीमार है तो वाइफ को लेके आना, और दोनों की स्टडी होती है थ्रू आउट। जो हमने क्या किया पिछले 22 साल में लगभग हर एक की दोनों को इक्वली हमने स्टडी किया है, राइट। तो इसमें हमने क्या पाया है, तो ये हम हवाई वे टॉकिंग अबाउट आज मॉडर्न हेल्थ केयर है, इतनी स्टेट ऑफ आर्ट। तो इसमें हमें ये थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर मॉडल ऑफ हेल्थ, अभी तक पता कौन कौन से मॉडल ऑफ हेल्थ आए हैं अभी तक, पता है सबको कौन कौन से मॉडल ऑफ हेल्थ अभी तक मॉडर्न मेडिसिन यूज किए हैं? एनीवन? कौन बताएगा? बाईपास सर्जरी, क्या करें डॉक्टर? एक तो ऑपरेशन है ना, पर मॉडल ऑफ हेल्थ कौन कौन से यूज किए गए अभी तक मेडिकल साइंस में? होलिस्टिक हेल्थ। एनी होलिस्टिक हेल्थ? होलिस्टिक हेल्थ। और कुछ? एनीवन? मॉडर्न मेडिसिन वाले बताओ। मोबाइल थोड़ा साइलेंस में डालो सर। देखिए सबसे जो पहला मॉडल ऑफ हेल्थ यूज होता है बायोमेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ। सबसे पहला जो मॉडल ऑफ हेल्थ यूज हुआ था बायोमेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ, शुरू से मतलब समझो ये जो शुरुआत जब से हुई ना मेडिकल साइंस की, स्पेशली अर्ली 90s से भी, तो वैसे तो पिछले 100 साल ही पुरानी मेडिसिन है, ज़्यादा तो अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन ज़्यादा पुरानी नहीं है। 100 साल पहले एक डॉक्टर वेसेलियस थे, वेसेलियस है ना, उन्होंने पहले एनाटॉमी एक पेशेंट को डेड बॉडी पे उसका डिसेक्शन करके देखा। तो जो मॉडर्न मेडिसिन पहला मॉडल था बायोमेडिकल मॉडल था। बायोमेडिकल मॉडल में क्या था कि उन्होंने सोचा कि एक इंसान है, इंसान की बॉडी है, उसको इंसान को बॉडी मिली, और ऊपर से जो आसपास जो उसको वातावरण मिला है जिससे बैक्टीरिया है, वायरस है, और उनके या उसको पैदा होने से ही कोई बीमारी कंजनेटल प्रॉब्लम है, तो उसमें बायोमेडिकल मॉडल फैलते हैं। बायोस मींस लाइफ, मतलब इंसान को एक विक्टिम के रूप में लिया गया और उसका इलाज हमें करना है, राइट। दैट वाज द बायोमेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ। 1967 में एक आया बायोसाइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ, बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। उसमें क्या था कि नहीं, उसने लोगों ने देखा क्योंकि 60s में एंटीबायोटिक काफी सारी आ गई, वी कुड गेट पेनिसिलिन, वी कुड गेट सल्फोनामाइड, सल्फाडाइजिन आ गए, और दूसरे टेट्रासाइक्लिन आ गए, तो हमने देखा, और प्लस हमारे पास कॉलरा की वैक्सीन आ गई, कुछ वैक्सीन भी बन गई और टीबी की दवाइयाँ भी आ गई, तो देन वी थॉट कि हम लोग कॉम्पिटेंट हैं कि हम वी कैन ट्रीट पीपल, हम लोग मलेरिया का इलाज कर सकते हैं, कॉलरा का इलाज कर सकते हैं, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी आ गई, और भी चीज़ें आ गई, अब पेनिसिलिन आ गई, और ये आने से हम लोग काफ़ी सारे इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। पास्टर को जानते हैं ना, पास्टर बनाया था ना, तो उसने फिर बाद में एंटीबायोटिक्स निकली पेनिसिलिन निकली और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आए, तो हमने कहा हमने डिजीज पर विजय पा ली, क्योंकि जब एंटीबायोटिक्स आने के बाद कुछ लोग तो रेस्पॉन्ड किए, कुछ लोग रेस्पॉन्ड नहीं किए, फिर हमने देखा कि कुछ लोग जब ये एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे, तो हमने देखा कुछ लोग तो अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ लोग कम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन? तो कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस दिखाई दिए, है ना, समझ में आ रही है आपको, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ नेचर कैसी है,
कोई बहुत सेंसिटिव है, कोई इमोशनल है, कोई बहुत जल्दीबाजी करने वाला है, कोई गुस्सा करने वाला है, तो उसमें रेस्पॉन्स अलग अलग थी एंटीबायोटिक्स, अलग अलग रेस्पॉन्स थे। और प्लस उसका सोशल फैक्टर्स क्या है उसके, मान लो परिवार में स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, वो व्यक्ति जो इसका आप इलाज कर रहे हो वो बहुत टेंशन में रहता है, उसके आसपास वातावरण में टेंशन है, तो वो उसके या वातावरण में पोल्यूशन है, फैक्ट्री के पास रहता है, या कोई साथ में कॉटन इंडस्ट्री है, कई बार जो है तो ना, ना घर के पास कोई फ्लोर मिल लगी हुई है, तो उसका एक्सपोजर लगातार रहने से भी उसकी ट्रीटमेंट में फर्क पड़ रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये जो है खाली खाली हमारी बायोस बॉडी नहीं और बैक्टीरिया वायरस नहीं, साइकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, साइकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट करती है, और सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर में समाज में वो जैसे समाज में रहता है ना, उसके साथ उसके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, और वहां की हवा पानी कैसी है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वो सोशल फैक्टर्स। तो उन्होंने कहा बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ, मतलब उसमें पहले वाले मॉडल ऑफ हेल्थ में पेशेंट का पार्टिसिपेशन नहीं था, डॉक्टर वाज डॉक्टर को ट्रीट करना था, पेशेंट विक्टिम था। इसलिए आपने देखा 1980s तक लगभग सारे देश में, विदेशों में भी हेल्थ केयर फ्री थी, हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर फ्री थी, याद है आप लोगों को, पुराने लोग हैं आप में से, याद है सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टोटली केयर फ्री थी, एकदम कोई दवाई का पैसा नहीं लगता था, आप दाखिल इलाज करा के आ जाओ, अपने कोई पैसा आपको देना नहीं, दवाइयां फ्री मिलती थी। फिर जो है ये आया कि नहीं, अभी जब आया आदमी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मतलब आदमी विक्टिम नहीं है, आदमी खुद अपना विक्टिम बन जाता है, अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी तो क्या होगा, वो विक्टिम क्या हो जाएगा, है ना, साइकोलॉजी अगर हमारी ठीक नहीं होगी, हमारा सोशल फैक्टर समाज ठीक नहीं होगा, जिस घर में हम रहते हैं वहां वातावरण ठीक नहीं होगा, तो हमारा हमारा रोल, हमारे परिवार का भी रोल है और हमारे साइकोलॉजी का भी रोल है, ये एक फैक्टर आ गया। तब से फिर जो है इसका ध्यान इस तरफ गया, जब माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तब से थोड़ा ध्यान के माइंड के जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पेशेंट को ठीक करना है तो माइंड का बहुत बड़ा, इसलिए माइंड बॉडी मेडिसिन का उदय हुआ। और उसके बाद जो फिर ये जब चलता रहा तो उसके बाद देखा कि साइकोलॉजी भी कर लिया, सोशल फैक्टर्स भी इम्प्रूव कर लिए। 1986 में फिर क्या रिसर्च शुरू हुई कि हमने रिसर्च शुरू की PNI और PNE, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और साइको न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी, मतलब हमारे जो मन का, हमारे मन के विचारों का हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या असर पड़ता है, इम्यून सिस्टम है ना, समझते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पे क्या असर पड़ता है, दैट मींस हमारे रेजिस्टेंस पावर पे क्या असर पड़ता है, और दूसरा किस पे असर पड़ता है, हमारे हार्मोन्स पे क्या असर, जो हमारा हार्मोनल एक्सेस है ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एडिनल और गोनेड्स, मेल और फीमेल ग्लैंड्स, तो इस पे क्या असर पड़ता है, वो भी हमारा जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ठीक है, तो उस पर रिसर्च करने के बाद पाया गया कि लगभग 10 साल रिसर्च होने के बाद 1996 में ये पाया गया कि नहीं, एक इसके अलावा एक और फैक्टर है, तो फिर पाया गया कि बायो साइको सोशल, बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी, कैंसर था जैसे, बीमारी इतनी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है हम डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, बट आदमी मरते समय भी क्या चाहता है, जीना नहीं चाहता, मतलब शांति तो चाहिए ना, रिलीफ तो चाहिए, थोड़ा सा पेन तो कम कर दो ना, अब जैसे कैंसर फैल गया सारी बॉडी, तो कम से कम उसको पेनलेस डेथ तो दे सके ना, शांति से तो नहीं छोड़े, तड़प के तो नहीं छोड़े ना, कई बीमारियां लाइलाज है जिसका कोई इलाज नहीं था दुनिया में, तो उनको रिलीफ और कंफर्ट ऑलवेज, एम था कि हम रिलीफ एंड कंफर्ट ऑलवेज, उसमें एक स्पिरिचुअल एंगल आ जाए तो क्या होगा, अगर इंसान जान जाए कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूं तो क्या होगा, मरते टाइम तो क्या होगा, बॉडी का ध्यान, शरीर का ध्यान कम कम हो जाएगा ना, तो रिलीफ होगा ना, कंफर्ट होगा ना, तो इसलिए USA में 2008 में ही लगभग 126 मेडिकल स्कूल थे,
और उसमें से 106 में ये इंट्रोड्यूस कर दी गई थी स्पिरिचुअल एजुकेशन। ठीक है, हमारे भारत में अभी तक स्पिरिचुअल एजुकेशन ऑफिशियल नहीं है, कॉलेजेस में मेडिकल कॉलेज में ऑफिशियल नहीं है, किंतु वहां पर स्पिरिचुअल एजुकेशन आज भी ऑफिशियल है, एक सब्जेक्ट है एमबीबीएस में वहां के। हमारे भारत में अभी तक एमसीए को हम तैयार नहीं कर पाए कि स्पिरिचुअलिटी को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें। लास्ट ईयर में थोड़ा सा एक 2 घंटे का सिलेबस ना हम दिया है फर्स्ट प्रोफेशनल ना एमबीबीएस में शुरू किया, ये तो अभी तक ऑफिशियली अलाउड नहीं था। वैल्यूज इन लाइफ का तो दिया है अब इन्होंने एमबीबीएस में शुरू, अभी शुरू किया, लास्ट ईयर शुरू किया ना वैल्यूज इन लाइफ, पर वो भी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। तो ये जो है स्टेटस था। फिर हमने 2006 में एक मॉडल ऑफ हेल्थ इंट्रोड्यूस किया, वो 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर मॉडल जो हमने WHO के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया है, ऑलरेडी WHO के थ्रू इट इज बीइंग वर्कड आउट 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ हेल्थ। ये लाइक तो ये जो मैंने बात की आपसे, तो मॉडर्न हेल्थ केयर इज ओनली 1 डायमेंशनल। आज की जो मॉडर्न हेल्थ केयर 1 डायमेंशनल है, सिर्फ बॉडी को एड्रेस करता है। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जितना भी चाहे भारत में है, विदेश में है, यूएस में, यूके में, किसी भी देश में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ सिर्फ बॉडी की टीचिंग की जाती है, बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है, बॉडी का इलाज किया जाता है, बॉडी के बारे में मेडिसिन रिसर्च की जाती है, फिजियोथेरेपी, डाइट, एक्सरसाइज, फिटनेस की बात, स्लीप की बात, रिएडिक्शन की बात, किसके लिए सारी, किसके लिए, नो स्मोकिंग, नो एल्कोहल, वो सब इसके लिए करते हैं, वी डू इट ओनली फॉर बॉडी, वो सारी बॉडी के ऊपर फोकस्ड है, जबकि इंसान बॉडी है क्या? नहीं। इंसान बॉडी है क्या? नहीं। तो देयर इज नो मोर टीचिंग अबाउट माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी। आज की मेडिकल साइंस में ना माइंड की टीचिंग है ना स्पिरिचुअलिटी की टीचिंग। आप MBBS करो, MD करो, DM करो, MRCP करो, FRCP करो, कुछ भी कर लो आप, तो भी आप क्या कर सकते हैं शरीर को, आपको ना मन के, डॉक्टर्स को पता ही नहीं होता मन क्या चीज है, मन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं। आज जो WHO क्या था, आप डेफिनेशन जानते ना सभी, ये 1948 की पहली डेफिनेशन है WHO, बाद में 1967 के बाद जब ये मॉडल ऑफ आया ना, जब मॉडल ऑफ एंटीबायोटिक्स आने के बाद डेफिनेशन अलग हो गई। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। 4 पिलर्स हैं हेल्थ के। आप ना फोटोग्राफी छोड़ ना, आप फोकस करो समझने में। तो हेल्थ जो है चार स्टेटस चार हैं इसमें, पिलर्स कौन कौन से, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। खाली एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट हेल्थ। उनका हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल। तो ये चारों पिलर्स हैं। जब एंटीबायोटिक्स निकल गई तो इंसान ने सोचा हमने सब कुछ कर लिया, नाउ वी आर फ्री, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या, ये स्पिरिचुअल मॉडल निकाल दिया, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट निकाल दिया। ठीक, फिर डेफिनेशन खाली क्या बन गई, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फिर 96 में जब ये लोग आए, मैंने बताया ना PNI जब आया और सब, ये आने के बाद फिर दोबारा डिसाइड हुआ नहीं कि ये तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। फिर उन्होंने क्या किया, जो PSM किताब में जो आने लगा ना, फिर आया खाली स्पिरिचुअल भी आया, इमोशनल भी आया, और भी कई सारे मॉडल हैं, काफी सारे 3-4 एस्पेक्ट और जोड़ दिए, कॉग्निटिव हो गया और दूसरी चीजें आ गई, है ना। पर मतलब उन्होंने फिर उसको बाद में रियलाइज किया कि हमने स्पिरिचुअल मॉडल, स्पिरिचुअल वेलबींग हटा के बहुत गलत काम किया। 30 ईयर्स लगभग हम डार्कनेस में रहे बीच में मेडिकल साइंस के हिसाब से। WHO ने एक बार डिसाइड किया था 1977 में, अल्माटा नाम की जगह है, उसे भी अल्मेटी कहते हैं कजाकिस्तान में, जिन्हें डिसाइड किया कि हम लोग सभी को 2000 तक हेल्दी बनाएंगे, एटलीस्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हेल्थ देंगे। तो उसके लिए कहा था 23 साल का बड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाया गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लान किए गए, हम इतना खर्च करेंगे। तो क्या हुआ, 2000 तक सभी हेल्दी बने क्या? नई नई बीमारियां आ गई,
फिर उन्होंने कहा 2020 तक बना लेंगे, तो 2020 आ गया ना, नहीं अभी नहीं आया, आ गया, सब हेल्दी हो गए, तो क्या ये जो आज हम जो मॉडर्न हेल्थ केयर क्या सबको हेल्दी बना सकती है? नहीं बना सकती है। अगर आज हम देखें तो 5 साल पहले की फिगर्स हैं, 5 साल पहले की फिगर्स हैं, 2015 की फिगर्स हैं, जो सर्वे हुआ था भारत में 4 मेजर सिटीज में, भारत की 4 मेजर, पहले देखो अगर आप 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, एडल्ट्स को 21 साल से ऊपर के पॉपुलेशन को देखा गया, 30% को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज 14% को थी उस समय, डायबिटीज 10% को थी लगभग, ओबेसिटी या ओवरवेट 40% लोग थे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स 10% को थी, एसिडिटी डिजीज 35% को थी उस समय, जिनको जीआरडी कहते हैं ना, जीआरडी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, बोन प्रॉब्लम्स ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिलेटेड बोन प्रॉब्लम्स वो 20% लोगों को थी, स्किन प्रॉब्लम 10% लोगों को थी, आई एन ई एन टी प्रॉब्लम 10% लगभग, कैंसर लगभग सारे मिला के 5%, सारी बॉडी कैंसर मिला लो ना अगर 100 लोगों में से 5% लोग कैंसर से, हेडेक माइग्रेन हेडेक माइग्रेस हेडेक क्लस्टर हेडेक टेंशन हेडेक है ना, इस तरह की हेडेक्स जो 5-10% लोगों को थी, इन्फेक्शन 10% लोगों को थे एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हार्मोनल जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती 5% लोगों को, तो अगर आप ये देखते थोड़ी सी बीमारियां हैं कितनी हो गई, काउंट किया आपने 200 हो गए ना, 100 लोगों को 200 बीमारियां हो गई, तो आज की ये स्टेटस है, मतलब ये मॉडर्न हेल्थ केयर इतनी अचीव करने के बाद इसमें सब आ गया, होम्योपैथी भी आ गई, एलोपैथी भी आ गई, आयुर्वेदिक सब कुछ आ गया, उसके बावजूद हमारी क्या हालत है, क्या हालत है, ये स्टेटस है फिजिकल हेल्थ का। नेक्स्ट लाइट, लाइट हटा दो, लाइट निकाल दीजिए, ये लाइट निकलाएंगे तो सामने दिखाई नहीं देता, ये वीडियो बना रहे हैं सर, है नहीं वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शुरू छोड़ना अपना पढ़ो, ये वीडियो बनाने से कुछ नहीं, ये वीडियो वहीं रह जाएगा, पता क्या होता है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इंसान की टेंडेंसी होती है किताबें खरीद लेगा वीडियो रह जाएगा, फिर इसको ना आप देखेंगे ना सुनेंगे ना समझेंगे, ठीक है, अभी जो समझ में आ जाएगा तो बुद्धि में सेट हो जाएगा, एम आई राइट और रॉन्ग, मेरे को 61 साल हो गए ना, 40 साल मेडिकल प्रोफेशन में हो गए, और मुझे समझ में आया कि मैंने इतनी सारी किताबें इतनी सारी चीज रखी हैं किसी काम नहीं आती, वीडियो इतने सारे रखे कुछ काम नहीं, कोई नहीं देखता उसको, टाइम नहीं होता अपने लिए, समझो और उसको रियलाइज करो, खुद रियलाइज करके फिर लोगों को सच्ची दिल से समझाओगे तो समझ में आएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ही सक्सेसफुल हो, वीडियो इज नॉट इम्पोर्टेंट, Am I right or wrong? हाँ जी राइट है, किसके लिए फिगर को, फिगर फिगर सब मिल जाती है इंटरनेट पर, तो फिगर सारी मिल जाएंगे, मैंने को मैंने भी इंटरनेट से ली, मैं कोई पाकिस्तान से लाया हूँ इमरान खान से लेके आया हूँ, ये सब इंडिया इंडियन फिगर्स है ना, ये सब भारत की फिगर है, तो 100 लोगों को 200 बीमारी है, ठीक है, और अगर हम मन की बात देखें मेंटल हेल्थ की जहां हम बात करें, आज तक 80% लोग टाइप ए नेचर की है, टाइप ए समझते हैं क्या होता है, टाइप ए टाइप ए भी तीन बातें होती है बेसिकली, प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ परफेक्शन, प्रेशर ऑफ टाइम, ऐसे लोग क्या होते हैं टाइप ए नेचर के लोग, हमेशा टाइम प्रेशर में रहते हैं, वर्क प्रेशर में रहते हैं और परफेक्शन के प्रेशर में रहते हैं, मेरे हिसाब से ही काम होना चाहिए, जैसे मैं कहूं ऐसे होना चाहिए, आई एम द बेस्ट, है ना, ठीक है, ये जिनके अंदर रहता है ना हमेशा, और टाइम प्रेशर और प्रेशर में सबसे बड़ी बीमारी का कारण, सारी बीमारी का कारण, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, जीआरडी, गर्दन की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, डिप्रेशन का कारण, एंजाइटी का कारण, सभी बीमारियों का कारण, कैंसर का कारण, सबका कारण क्या है बताओ, मैं प्रेशर, स्ट्रेस नहीं बस, प्रेशर स्ट्रेस भी कौन सी है सबसे बड़ी, स्ट्रेस क्या है, फीलिंग प्रेशर, प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क एंड प्रेशर ऑफ योर ओन हैबिट्स,
ये काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे मैं कहता हूं ऐसे ही होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए। और यही एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग दुखी होते हैं, यही कारण, इससे अशांति पैदा होती है। और अशांति शब्द डिजीज शब्द कहां से आया है, मैं आपको मेरा एम आपको टॉपिक नहीं कराना, मेरा एम आपको कुछ बातें समझाना है, ठीक है, क्योंकि समझा तो आपने टॉपिक तो बहुत सारे कर लिए होंगे, कुछ बातें आई वॉन्ट टू पुट यू अक्रॉस ताकि आप उसको क्लियर कर सकें, और जब आप खुद समझेंगे दूसरों को भी समझा सकेंगे, और खुद आपके वाइब्रेशन लोगों को परिवर्तन करें। दादी जान के आगे कितना समझाती है, कितना समझाती है, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, सच्चाई, सफाई, सादगी, ये मेरा बाबा, ये मेरा भाग्य, इधर मेरा बाबा, इधर मेरा भाग्य, कितना समझ में आता है, थोड़ा समझ में आता है, ज्यादा समझ में आता है, उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं, राइट। तो हमें ऐसा बनना है ना, भाषण से कुछ काम नहीं होने वाला। तो इसलिए अपने आप को रियलाइज करना गहराई से, राजयोग मेडिटेशन इस तरह से डिफरेंट है, राजयोग मेडिटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेडिटेशन, क्योंकि हमें हमारे वाइब्रेशन शिफ्ट चेंज करते हैं, हमारा हवा मंडल, हमारा ऑरा लोगों को परिवर्तन करते, उससे दुनिया परिवर्तन। तो ये जो टाइप ए बिहेवियर, सपोज जब मैं टाइप ए बिहेवियर खुद हूं तो दूसरों को क्या सिखाऊंगा, मेरे जो ऑरा में क्या होना चाहिए, टाइप ए नहीं टाइप बी बिहेवियर। आज लोग इसी कारण सफर कर रहे टाइप ए बिहेवियर, सारी साइकोसोमेटिक डिजीजेस का कारण टाइप ए बिहेवियर। सिंपल भाषा में जल्दीबाजी के पर सभी जल्दी में ना, आज अपने आप से अंदर देखो हम जल्दीबाजी में है कि नहीं, है ना, टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में है कि नहीं, टाइम कॉन्शियस है कि नहीं, हाँ जी। तो अगर हम टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में, तो हम अशांत हैं। तो फिर सिनिसिज्म, सिनिसिज्म मतलब दूसरों में दोष देखना, दोष दृष्टि, है ना। जो भी बॉडी कॉन्शियस लोग आदमी होते हैं ना, जो रोल देहभान वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनको क्या निशानी है, देहभान वाले व्यक्ति का नेचर हमेशा दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, दूसरों में अवगुण दिखाई देते हैं। जो बाबा कहते हैं हंस और बगला, हंस को क्या दिखाई देता है, सामने उसके सामने 95 कीड़े पड़े, बीच में कहीं कहीं 5 मोती पड़े, उसको क्या दिखाई दे रहा है, कीड़े दिखाई देते हैं उसको, मोती दिखाई देते हैं। और बगला कैसा होता है, बगले के सामने 95 कीड़े डाल दो, मोती डाल दो, और बीच में कहेंगे 5 कीड़े डाल दो, उसको क्या दिखाई देंगे, हाँ जी, कीड़े, सिर्फ कीड़े, मोती दिखाई देते हैं उसको क्या। आज का इंसान कैसा है, एक लड़का और एक लड़की होते हैं ना बिफोर मैरिज, लड़का और लड़की बिफोर मैरिज होते हैं ना, तो आपस में मिलते हैं, आप मिलेंगे तो क्या दिखाई देगा, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप दुनिया में सबसे अलग है, ऐसे हैं, वैसे हैं, वो कोई कोई तुम ऐसी हो, तुम ऐसे नहीं। और उसी की शादी हो जाती, तभी शादी के 2 महीने बाद क्या होता है, तुम ऐसी हो, क्या होता है, लड़ाई, गलती होगी, सभी अनुभवी हो ना, आप में से काफी लोग अनुभव, वही लड़की है, वही है ना, वही लड़का है ना, क्या हो जाता है, देवान आ गया ना, उसके पर सितारे थे, उसके पर दोनों सितारे थे, अब क्या बन गए दोनों, देवान आ गया ना, बॉडी कॉन्शियस आ गया, विकार आ गया ना, विकार आने के बाद तुरंत एक दूसरे के अपुन दिखाई दे। तो आज समाज की बहुत बड़ी समस्या है, लगभग हर बीमारी का कारण ये है, सिनिकल बिहेवियर, सिनिकल फॉल्ट फाइंडिंग बिहेवियर। आज किसी घर में भी पति पत्नी की बनती नहीं, आज क्यों, डायबिटीज क्यों हो रही है, ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, हार्ट की बीमारी क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, बताओ क्यों हो रही है, एंगर, ये इस कारण, सिनिकल बिहेवियर, फॉल्ट फाइंडिंग बिहेवियर। हर घर में झगड़ा क्यों है, डायबिटीज क्या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन क्या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज क्या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, GRD क्या है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है,
वही रिलेशनशिप प्रॉब्लम मैनिफेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के रूप में, जो जो टारगेट आता है जिसके अंदर जो होता है। ठीक बात नहीं? ठीक ठीक है। आपको डायबिटीज में बताओ बिटरनेस, बिटरनेस ऑफ डायबिटीज है ना, जब बिटरनेस माइंड में है तो कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा निकल करके फिर आपका क्या करता है, आपको डायबिटीज पर है, फिर इंसुलिन ज्यादा निकलता है आपकी इंसुलिन सेल्स में से, क्या बीटा सेल्स में से ज्यादा मात्रा में इंसुलिन निकलती है, तो आपको आदत पड़ जाती है कॉर्टिसोल ज्यादा निकालने की, तो क्या होता है इंसुलिन ज्यादा रहता है, शुगर भी ज्यादा रहती है, लिवर से ज्यादा शुगर निकलती रहती है, और धीरे धीरे हाइपर इंसुलिनेमिया होकर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर डायबिटीज मैनिफेस्ट करती है। तभी जीन एक्सप्रेस करते हैं, डायबिटीज का जीन भले माता पिता से मिला है पर जीन एक्सप्रेस नहीं करता जब तक, ठीक है? तो जीन तभी एक्सप्रेस करेगा जब आपको, कई लोगों को माता पिता को दोनों को डायबिटीज है तो बच्चों को नहीं होगा, बच्चा हैप्पी गो लकी है तो उसको डायबिटीज नहीं होती, 60 साल की उम्र तक नहीं होती। और जो बच्चे टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बिटरनेस में रहते हैं, उनको 30 साल की उम्र में डायबिटीज हो जाती है। क्यों? जीन एक्सप्रेस। कारण क्या? सीन निकलती है। और हमें क्या, हमें क्या बनना, आपस में कैसा बिहेवियर बनना, स्वीट बिहेवियर, फिर नेक्स्ट है हॉस्टाइल बिहेवियर, लाइट ऑफ करती है स्टेज की लाइट ऊपर, हॉस्टाइल बिहेवियर, फिर दूसरा हॉस्टाइल बिहेवियर, हॉस्टिलिटी, रिवेंजफुल बिहेवियर, क्या हो? फोटो निकालने आया है, फोटो के लिए आया इसलिए लाइट लगा। अच्छा, रिवेंजफुल बिहेवियर, हॉस्टाइल में रिवेंजफुल बिहेवियर, अगर आपका बदला लेने की भावना है, इसलिए सबके, हम लोग तो सबके सब हमारे साथ काम नहीं करते हैं ढंग से, हम लोग काफी सारे, अगर मेरे अंदर ईगो है मैं रिवेंजफुल हो जाता हूँ, हॉस्टाइल हो जाता हूँ, और हॉस्टाइल, एक बार आप हॉस्टाइल हो गए ना, रिवेंजफुल हो गए ना, तो आपके अंदर ऐसे केमिकल राउंड द क्लॉक आपके अंदर ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण से कंटिन्यूसली आपका सिस्टम सारा डैमेज हो रहा होता है। गुस्सा आपने एक बार किया, खत्म हो गया है ना, क्योंकि एक बार आप रिवेंजफुल हो गए तो क्या हो गया, वो प्रोसेस कंटिन्यूस, जैसे कश्मीर में चल रहा ना कमांडो, खड़े खड़े यूं खड़े खड़े टेंशन में खड़े खड़े क्या हो रहा है, उनको हार्ट अटैक हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हो, फिर तो लेजीनेस, फियर और ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड, लस्ट, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, आज आपको 25% लोग डिप्रेशन में है भारत में, 10% लोग तो मेडिकेशन पे है, कई लोगों को माइनर डिप्रेशन है और कई लोगों को मेजर डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेशन लगभग 10% लोगों को है, और जितने डेवलप कंट्रीज हैं वो तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, और इंसोमनिया, नींद ना आना, ये जो है मेन हमारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे, जो इसको हमें एड्रेस करना है ना अपने मेडिकल साइंस में, अपने पेशेंट्स को जब एड्रेस करते हैं, तो ये आज की हेल्थ है, ये हेल्थ की स्टेटस है, लगभग इसमें से छः सबके अंदर है, दो बीमारियाँ, बीमारी शरीर की, शरीर की, और छः कितनी बीमारी, छह किसकी बीमारियां, मन की बीमारी, सबके पास, सबके पास, आपके पास भी होंगे थोड़े थोड़े, है आपके पास, है आपको फ्री है इनमें से, आप में से कोई फ्री है जो बॉडी की बिना और मन की बिना हो, है कम हो गई, ये फ्री हो गए, फ्री हो गए, कर्मातीत हो जाते हैं, 70-80 सोशल बीइंग, तो इसमें हमारे अंदर क्या, समाज के, आज भी जब बाबा ने मुरली में कहा ना गोडनेस स्वभाव, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, सिद्ध अर्जित करने की बात नहीं होनी चाहिए, तो ये आज समाज में जब हम एक दैवी समाज बनाना चाहते हैं तो हमारे समाज में, तो आज के समाज में बहुत व्याप्त है ईर्ष्या द्वेष बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और ये जो आज काम विकार की जो हद जो हो रही है, जो बाबा ने कहा ना काम विकार के काम चिता पे हम सब जल रहे हैं, सब जल मरे डेकोइटीज थेफ्ट्स, दूसरे की चीज को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, डेकोइटीज और मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है, दूसरे चीज को काबू कर लेते हैं, जो हमारी नहीं है, जो हमने कमाई नहीं है हम चोरी कर लेते हैं, तो ये जो चीज है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आज के समाज की हालत है। और स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है आज की, आज सब जगह आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है, यस व्हाट इज आइडेंटिटी क्राइसिस, हर परिवार में, हर परिवार में, हर दोस्तों में भी, आपस में, भाई भाई में भी,
है ना, पति पत्नी के बीच में भी और प्रोफेशन में, वर्किंग एरिया में, सब जगह एक कॉम्पिटिशन है और हर जगह समझता है मैं बड़ा हूं। बच्चे समझते हम ज्यादा समझदार है, माँ बाप समझते हम ज्यादा समझदार है, पत्नी समझती मैं ज्यादा समझदार हूँ, पति समझता मैं ज्यादा समझदार। आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसका कारण क्या है? अगर हम स्पिरिचुअल बीइंग समझ ले अपने आप को तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म, ये लैक ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। आज कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, आज आज जो टेररिज्म क्यों हो रहा है उसका क्या इलाज है? कमांडोज है क्या उसका? आज कमांडोज नहीं, क्या इलाज है? स्पिरिचुअल एजुकेशन। अगर हम स्कूल में बच्चों को, कॉलेज में बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन दें और सब समझ जाए कि स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं हम, तो ही टेररिज्म खत्म हो सकता है। इसकी कोई आज से कोई हम कमांडोज रख करके बड़ी बड़ी रैपिड एक्शन फोर्स बना के इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। अच्छा फिर ये समझ गए ना आप, तो आज फिजिकल हेल्थ है क्या? हेल्थ है, जिसको हम हेल्थ शब्द कहते हैं, आज दुनिया में हेल्थ है ही नहीं। और फिर हैप्पीनेस है क्या दुनिया में? नहीं। पहले तो कोई हेल्दी नहीं है दुनिया में, सारी दुनिया में कोई एक भी हेल्दी व्यक्ति नहीं है, और फिर दुनिया में कोई हैप्पी है क्या? हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है? हंसना और खुशी क्या सेम चीज है, अलग अलग चीज है? क्या फर्क है दोनों? खुशी आंतरिक पीस है। यस खुशी दिखाने के लिए। रामायण सीरियल देखा था ना आपने? रामायण में आपने क्या देखा? रावण हंसता रहा और राम मुस्कुराता रहा, तो कौन था टेंशन में? रावण टेंशन में था, रावण गलत था ना, he was wrong। तो हंसना जो है, हंसना is not happiness। Laughter is a very important cause of heart attack and stroke। पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता। बाबा भी कहता है, मुरली में भी कहता है, हंसना विकार है। कभी आवाज से नहीं हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। देवता कभी जोर से हंसते होंगे सोचते हैं, सत्युग में तो देवता कभी जोर से हंसते होंगे? हंसते हैं कभी? सुना है आपने लक्ष्मी नारायण बहुत जोर से हंसे? बाबा कभी जोर से हंसते थे? दादियां कभी जोर से हंसती हैं? ब्रह्मा जब बाप दादा की धरामणी हो तो बाबा कभी हंसते हैं? सब हंसते हैं तो बाबा हंसता है क्या? आप लोगों ने स्टेज पे देखा बाबा को भी हंसते हुए? एक बार भी हंसे है क्या कभी भी? 50 साल में एक बार, 45 साल बाबा का पधरामणी कभी हंसे एक बार? बाबा मुस्कुराते, नेचुरल मुस्कुराते। तो मुस्कुराना, तो हैप्पीनेस क्या है? एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्या है हैप्पीनेस की? हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन कंटेंटमेंट। जब आप संतुष्ट होते हैं तो आप खुश होते हैं, बिना संतुष्टता की खुशी नहीं आ सकती है। संतुष्ट होने से खुशी है ना? और इज एनीवन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड? आज दुनिया में खुश है? सदा खुश है? इस हॉल में खुश है? संतुष्ट है, बाबा मिला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि हैप्पीनेस कहां से आती है? प्योरिटी ऑफ माइंड से आती है। अगर आपका मन और बुद्धि प्योर है तो आप खुश हैं, नहीं? अगर आप पीस है आपके पास तो खुश हैं, अगर आप ट्रूथफुल हैं तो खुश हैं। तब कब तक खुश होते हैं? बिना ट्रूथफुल हुए, सत्यता के बगैर आप खुश नहीं हो सकते हैं, बिना निर्भयता के आप खुश नहीं हो सकते हैं, बिना पावर ऑफ टॉलरेंस के आप खुश नहीं हो सकते हैं। आज की प्रॉब्लम क्या है? सहनशीलता लोगों में नहीं है। कभी तो बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसे होते हैं बात नहीं पूछो, और थोड़ा सा दुख आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या होता है? एकदम गुब्बारे के माफे, गुब्बारा बहुत ज्यादा फूल के बड़ा हो जाता है, और जब कोई प्रिक कर दे तो क्या होगा? गुब्बारा इतना सब जाएगा। तो सहनशील आदमी कभी भी एक हमेशा एक जैसा रहता है दोनों में ना, इसलिए सहनशीलता के बारे में आप खुश नहीं रह सकते। और इजी नेचर, अगर आपका स्वभाव सहज है, सरल स्वभाव है, तो आप खुश रह सकते हैं। अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना, तो नहीं आप खुश रह सकते। मधुरता, अगर आप स्वीट नेचर के हैं तो आप खुश रह सकते हैं। और अगर आप लार्ज हार्टेड है, उदारता, उदारता का मतलब क्या होता है? बड़ा दिल वाला क्या? अच्छाई और कार्य में गली,
बड़ा हार्ट सांस नहीं आएगा, मतलब उदारता माना क्षमा भाव है ना, दूसरों की गलतियों को संभाल लेना, जेनरेसिटी, हाँ जेनरेसिटी, दूसरों की बातों को संभाल लेना है ना, दूसरों की गलतियों को संभाल लेना और उदारता माना, और भी बड़ी दिल का मतलब है बड़े दिल से काम करना दूसरों के लिए, हमें जैसे हम दाता विधाता और वरदाता के रूप में रहे, और हमारे एम्पैथी रहम करुणा है ना, हम डॉक्टर्स का बेसिक काम क्या होता है करुणा है ना, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, और लव सच्चा प्यार, सेक्रीफाइस त्याग और सेटिस्फेक्शन जो कुछ हमें मिला उसमें संतुष्ट है। जैसे आपको आपने सुना भी होगा कि आज 95% से अधिक बीमारियां कैसी हैं, साइकोसोमेटिक है, वैसे लिटरेचर सिर्फ 80% ये बोलता है, किंतु रियल में आज मेडिकल साइंस बोलती है, जो रिसर्चेस हो रही है कि उसमें ये बड़ा क्लियरली बात करते हैं कि आज हम इवन 100% बीमारी साइकोसोमेटिक है, क्योंकि एक्सीडेंट भी साइकोसोमेटिक है कि नहीं है, एक्सीडेंट साइकोसोमेटिक है कि नहीं है, जुकाम साइकोसोमेटिक है कि नहीं है, बार बार कोई इन्फेक्शन होना, डायरिया होना, IBS साइकोसोमेटिक है कि नहीं, हर बीमारी साइकोसोमेटिक है, हर बीमारी में साइको, हर बीमारी में विचारों का असर होता है, नहीं होता है, कोई बीमारी भी हो वो साइकोसोमेटिक। चलो ये तो मैं वैसे ही आपको बता दूं कि ये जो 2015 का फिगर है, अभी 2012 में भारत में लगभग 62 मिलियन लोगों को हार्ट की बीमारी थी, डॉक्यूमेंटेड केसेस, और ये कहा जाता है हर हार्ट पेशेंट के पीछे 2 हार्ट पेशेंट छिपे होते हैं, क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक बता के नहीं आता है, तो लगभग एक अंदाजे के अनुसार लगभग 15 से 20 करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी है लगभग, क्योंकि हार्ट सबकी एंजियोग्राफी तो करते नहीं हम, करते हैं क्या, सबके ECG तो नहीं होते, तो जिनको हार्ट अटैक आता है उनका ECG करते हैं, जिनको तकलीफ होती है उनका ECG करते हैं, उनकी TMT करते हैं, बाकी तो कुछ करते नहीं, पर अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट कि लगभग 15 से 20 करोड़, भारत में 130 करोड़ लोग हैं, लगभग इतने लोगों को है, उसमें से 60% से ज्यादा लोग 50 के नीचे हैं। पहले जानते थे, समझते थे ना हार्ट की बीमारी किसको होती है, इसके ऊपर ओल्ड एज की बीमारी है ना, ओल्ड एज डिजनरेटिव डिजीज है, नहीं तो अभी ये समझ में आया कि ये बीमारी पिछले 1970 के बाद से बीमारी रैम्पेंट हो गई, 100 में से पहले एक आदमी को होती थी, अभी 100 में से 14-15-16 लोगों को होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 60% 60 साल की उम्र के बाद 70 साल की उम्र में और ज्यादा बढ़ जाती है, पर यंग लोगों को भी बहुत है, बताया आपको मैंने, लगभग 60% पेशेंट जगह है 50 के नीचे है, और लगभग जैसे ये 2015 की नंबर है, अभी तो संख्या बढ़ गई, उस लाख साल 29 लाख लोगों को हार्ट अटैक से, हार्ट की बीमारी से मरे एक साल में, कितने लोग मरे 29 लाख, उसमें से कितने 15 लाख कौन सी उम्र में थे, 50 के नीचे, तो ये बीमारी आज यंग लोगों को हो रही है, ठीक है, आज 18-20-25 साल में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, अच्छा किसके पास हार्ट अटैक किसको आ सकता है बताओ, जिसके पास हार्ट होगा, जिसके पास हार्ट नहीं है उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता, जस्ट पेन के हार्ट अटैक, हाँ भाई हार्ट अटैक, ठीक है, मतलब तो ये जो एक्चुअली प्रोग्राम हमेशा कहते हैं कि हमेशा प्रोग्राम किसके लिए है, जिनके पास भी हार्ट है, क्योंकि हार्ट अटैक आने का कोई डेट नहीं होती, टाइम नहीं होता, कभी भी आ सकता है, और ये अकेली डिजीज इसको टोटली प्रिवेंटेबल, प्रिवेंटेबल मतलब हम टोटली खत्म कर सकते हैं इसको, हार्ट अटैक आने को इसे बिल्कुल रोक सकते हैं, बिल्कुल मतलब हार्ट अटैक की बीमारी को जीरो कर सकते हैं, लोगों ने कुछ देशों में किया है, मतलब जीरो तो नहीं कर पाए, तो 50% तो किया है, मतलब किंतु उस वक्त सही ढंग से उस उन्होंने मेडिटेशन का यूज नहीं किया, अगर हम सही ढंग से मेडिटेशन को साथ में यूज कर ले तो हम जीरो कर सकते हैं, ये डिजीज टोटली प्रिवेंटेबल है, टोटली थियोरेटिकली हम कहते हैं टोटली प्रिवेंटेबल है, अगर हम सही ढंग से 5 साल की उम्र से अगर इसको अप्लाई करना शुरू कर दें अपनी लाइफ में, तो हम इसको टोटली अपने बॉडी में, क्योंकि हमारी आर्टरीज ब्लॉक होना 5 साल की उम्र से शुरू होती है, जैसे ये तो क्या कुछ केसेस में मतलब ये बीमारी है, जितनी भी ये बीमारी, ये जो बीमारी है ये कहते हैं ना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला, कोई जैसे स्मोकिंग करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनको भी जैसे एंजियोप्लास्टी कराई, फिर कराई, फिर कराई, फिर बाईपास कराया, फिर उन्होंने फिर दोबारा बंद हो गई, फिर US में जाके फिर दोबारा से एंजियोप्लास्टी कराई, तीनों
तो मतलब इतनी बार प्रोसीजर कराने के बाद अब देखो सारे ग्राफ बंद हो गए, ये सारे ग्राफ एंजियोस्टेट भी बंद हो गए। तो ये जितने भी हम लोग कितनी बार करा लें, कोई एंजियोप्लास्टी बाईपास का इलाज नहीं है, जो हार्ट की जो बीमारी इसका एंजियोप्लास्टी बाईपास इलाज नहीं है, क्योंकि ब्लॉक तो हमने अपने कारण से पैदा किए हैं, हमारी सोच ने पैदा किए, हमारे खान पान ने पैदा किए। जब तक हम उस सोच को नहीं बदलेंगे, खान पान को नहीं बदलेंगे, अपने देखने को नहीं बदलेंगे, अपने सुनने को नहीं बदलेंगे, अपना बोलने को नहीं बदलेंगे, अपने कर्मों को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारी आर्टरीज खुलेंगी नहीं, फिर दोबारा बंद हो जाएंगे। अगले रहेंगे, मेरे पास हजारों एंजियोग्राफी है ऐसी जो जो जिसमें दिखाया गया कि एंजियोप्लास्टी कराई है उन्होंने, और फिर उसके ब्लॉक के आगे जहां स्टेंट लगाया ना उसके आगे ब्लॉक आ गया, बाईपास कराया ग्राफ्ट, उसके ये तो ग्राफ्ट बंद हो गया, ग्राफ्ट के आगे ब्लॉक आ गया, क्योंकि हमारा स्वभाव है जो ब्लॉक पैदा करता है। पिछले 22 साल में रिसर्च में हमने यही पाया कि हर ब्लॉक का कारण है साइकोलॉजिकल थिंकिंग पैटर्न, है हमारा सोचने का ढंग है। ये सारे वर्ल्ड में पहली बार पता लगा है, किसी को पहले से पता नहीं था कि ये पहली बार हमने ये भारत में रिसर्च, भारत ने रिसर्च की कि भी हमने जो है कि भी हर बीमारी हर ब्लॉक देख के, जैसे लोगों की हम लोग तो वो देखते हैं ना, लोग पामिस्ट होते ना, रेखाएं देख के बताते हैं ना लोग, आपका भविष्य पास्ट ये था, भविष्य ये है, और कभी वर्तमान है चल रहा है कि, तो हम लोग एंजियोग्राफी देख के बता सकते हैं कि इस पेशेंट की, इस आदमी की नेचर कैसी, स्वभाव कैसे, इसके रिलेशनशिप कैसे हैं, अपने साथ कैसे रिलेशन, दूसरों के साथ कैसे रिलेशनशिप है, तो उसकी पूरी स्वभाव दिखाई देता है, पूरा का पूरा पास्ट और फ्यूचर दिखाई देता है, प्रवर्तमान भी दिखाई देता है। जन्म पत्री कैसे होती ना, एंजियोग्राफी देख के नजर आती, क्योंकि हमने लगभग 2000 हमने 10,000 से 10,000 के आसपास 9,500 लोगों की एंजियोग्राफी जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस की है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस में उसका टाइप है बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन और बहुत सारे फैक्टर्स को देखा है, और एक दिन करते हैं, फिर सातवें दिन करते हैं, फिर 3 महीने पर करते हैं, फिर 6 महीने पर करते हैं, फिर 1 साल पर करते हैं, फिर एंजियोग्राम होते हैं दोबारा से उस पर देखते हैं कौन सा ब्लॉक खुला कौन सा नहीं खुला, कौन सा बढ़ भी गया तो पता लगता है कि इसने इस चीज को चेंज किया, इतना परसेंट चेंज किया तो इतना ब्लॉक खुल गया, ये चेंज नहीं किया तो इसका वहीं का वहीं खराब हुआ, है ना। तो वी हैव बीन एबल टू कोरिलेट इतने सारे केसेस देखने के बाद कि हमने इसको कोरिलेट कर पाया कौन सी ब्लॉक कौन से उससे रिलेट। अब ऐसे आदमी इसको ना ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ना स्मोकिंग है, ना ओबेस है, ना सेडेंटरी है, इसकी भी एंजियोप्लास्टी हो गई, फिर दो एंजियोप्लास्टी, फिर बाईपास हो गए, बाईपास होने के बाद ठीक नहीं हुआ, पतला दुबला आदमी है, वो तो मोटा था पहले वाला, तो मतलब ये नहीं कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, स्मोकिंग से ही ब्लॉकेज होते हैं, जिन नहीं भी है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज नहीं है, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, स्मोकिंग नहीं करते, उनको ही ब्लॉकेज हो गया, उनके भी हार्ट अटैक आते हैं। फैट से भी ज्यादा आपका शरीर के मोटापे से हार्ट की बीमारी नहीं होती है, आप 100 किलो पे हो तो भी हार्ट की बीमारी होगी, आप 40 किलो तो भी आपकी हार्ट की बीमारी हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, क्यों आएगा, आपका मन कितना भारी है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, आपकी मन का कितना मोटापा है, मन कितना भारी है, आपका मन हल्का है आप 100 किलो के हो तो भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि ओबीस लोगों को ज्यादा चांस होने का है, किंतु ऐसा भी देखें आप हमारे यहाँ ग्रुप जो देखेंगे तो 50-50 किलो के लोग, पतले दुबले लोग, ना स्मोकिंग करते हैं, ना शराब पीते हैं, ना ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है कभी कभी, और उनके फैमिली में भी हार्ट की बीमारी, तो भी उनको हार्ट अटैक है और बार बार आ रहे हैं, पर वो स्ट्रेसफुल है इसलिए, राइट। तो इसलिए ये बात समझने की, ये नई साइंस की मतलब नई रिसर्च, नई बात है ये दुनिया की, आज तक हम समझते थे 90s में जब मैं स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में था, हम यही समझते थे कि हम हमारा ये 6 कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डिसलिपिडेमिया और फैमिली हिस्ट्री, तो यही 5-6 फैक्टर्स होते हैं जिन लोगों को ज्यादा हार्ट की बीमारी होती है, ऐसा ये एपिडेमियोलॉजी में पाया गया। ये बेसिकली वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो 6 कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स के कारण समझते हैं इनको हार्ट की बीमारी होती है, किंतु टू ओवर जो हमने कन्वेंशन के खिलाफ हम क्या देख रहे थे उन दिनों, जिनको ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज, ना कभी स्मोकिंग की है, ना कभी शराब पी है, ना कभी उनने, और ना मोटे हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहा है,
और यंग एज में आ रहे हैं, 40-35 में आ रहे हैं, 36 में आ रहे हैं, 38 में आ रहे हैं, तब हमें तब हमारे तब इस तरह दिमाग दिया था हमारा, तब इस तरह दिमाग 90s में जब जितने गया ना तब हमारा तब रिसर्च प्रोग्राम बनाना बनाया, क्योंकि हम लोग हम क्या करें, हम लोग सोचते हैं ब्लड प्रेशर का इलाज अच्छा करो, डायबिटीज का इलाज करो, कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे दो ना तो पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं आएगा, स्मोकिंग बंद करा दो हार्ट अटैक नहीं आएगा, फिर भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। तब हमारा स्ट्रेस की तरफ ध्यान, तब सारी साइंटिफिक फर्टिलिटी का मेडिकल फर्टिलिटी का ध्यान स्ट्रेस पे गया। ये तो पहले समझते थे, उसके पहले हम क्या समझते थे, 90s के पहले हम क्या समझते थे, स्ट्रेस तो एक कॉमन चीज है, हर एक की लाइफ में स्ट्रेस होती है, और स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस जिस चीज अवॉइड नहीं कर सकते उसको क्या करना है, उसको क्या सोचना, उसका क्या इलाज, बाकी चीजों का इलाज करो। आज भी मेडिकल साइंस काफी हद तक यही सोचती है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस के बारे में सोचना शुरू करें तो बीमारी खत्म हो जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी तो डॉक्टर क्या करेंगे, तो उसको इसको फोकस नहीं करते, इसको फोकस नहीं देते, और प्लस वो उनको उनको ट्रेनिंग में नहीं आता एक बार, इसलिए प्रॉब्लम है। इसलिए डीएम भी करने जाते हैं, डीएम करने जाते हैं उनका फोकस, टोटल फोकस 3-2 साल इसी पे रहता है, इंटरवेंशन आगे और पोस्टिंग भी होती है, उसका टोटल फोकस इंटरवेंशन पे रहता है सारा टाइम, इको भी सिखाते हैं हमको और चीज सिखाते हैं, तो वो उधर जाते ही नहीं, बहुत कम जाते हैं डीएम के स्टूडेंट्स, सारा टाइम इंटरवेंशन ही करते रहते हैं, साथ ही कैथला में घुस रहेंगे, कोई सिक्के पे पैसा उसमें ही बनता है ना, इनकम वहीं से आती है, ये वाली प्रॉब्लम है, इसलिए फोकस हो ही नहीं पा रहा है, कमर्शियल एंगल आने से फोकस नहीं हो पा रहा, चाह के भी लोग फोकस नहीं कर पा रहे। तो आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही सारी बीमारी डिफ्यूज डिजीज है, एक और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लंबे लंबे ब्लॉक है, मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, जिनकी आप आज भी मैं एंजियोग्राफी देख रहा था, आज भी मेरे पास एक एस्पेशन एंजियोग्राफी, पूरी पूरी आर्टरी ब्लॉक है, कहाँ पे आप ग्राफ्ट लगाएंगे, कहाँ पे आप स्टेंट डालेंगे, डाल नहीं सकते। भारत की एक विशेषता है, 54% जो हार्ट पेशेंट है ना, 54% हार्ट पेशेंट, उनके अंदर डिफ्यूज डिजीज है, नॉन ऑपरेबल है, आप उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, एंजियोप्लास्टी बाईपास कर नहीं सकते, डॉक्टर कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। अभी भी हमारा तो मेरे प्रोफेशन की बात मैं आपको शेयर करता हूँ, मतलब ऐसा हो जाता है, उसमें स्टैंड लगाते, स्टैंड लगाने के बाद डेथ हो जाती है, क्योंकि जब हम एक लंबे ब्लॉक में स्टैंड डालते हैं ना, तो स्टैंड प्लाक रप्चर हो जाता है, रप्चर आर्टरी रप्चर हो जाती है, रप्चर होने से फिर पेशेंट पड़ जाता है। कई बार हम सोचते थे दो स्टैंड डाल देते हैं, लंबा लंबा ब्लॉक में 2-3 डाल देते हैं तो उससे ठीक हो जाएंगे, नहीं उससे ठीक नहीं होते लोग, ठीक है। तो ये हमें समझने की बात है कि हमारी जो हमारे देश की जो प्रॉब्लम है अलग टाइप की है, विदेशों में सिर्फ 21% लोगों को ऐसे डिफ्यूज डिजीज है, हमारे भारत में जब उन आधे से ज्यादा पेशेंट अनऑपरेबल इनऑपरेबल है, और भारत में सिर्फ भारत अमेरिका में सिर्फ 20 लाख लोगों को हार्ट अटैक हर साल आते हैं, उसमें आप 17-18 लाख लोगों के एंजियोप्लास्टी बाईपास कर देते हैं, 13-14 लाख लोगों के एंजियोप्लास्टी करते हैं हर साल, और 4-5 लाख लोगों को बाईपास हो जाते हैं, और भारत में 70 लाख लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, और लगभग हम क्या करते हैं, लगभग 2 लाख एंजियोप्लास्टी करते हैं, 1 लाख बाईपास करते हैं, बल्कि 60,000 जो बाईपास होते हैं साल में भारत में, और लगभग 2,40,000 या 2,30,000 एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो कितने हो गए 3 लाख, हार्ट अटैक कितने हैं 70 लाख, ठीक है, चलेगा। अगर हम 70 लाख लोगों की एंजियोप्लास्टी करने जाएंगे क्या होगा, पूरा बजट हमको क्या करना पड़ेगा, सारा बजट क्या करना पड़ेगा, सब जगह से हटा के क्या डालना पड़ेगा, सिर्फ एंजियोप्लास्टी बाईपास में डालना पड़ेगा, क्या कहना, चले रोटी खाने को मिलेगी, सब काम बंद हो जाएंगे बाकी, तो मतलब ये हालत है बीमारी की, है ना, क्योंकि और प्लस ये को सारा देश में अगर लगा भी दे तो भी हमारे फायदा नहीं है, इससे कोई बीमारी खत्म नहीं होने वाली, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, फिर दोबारा तकलीफ हो जाती है। जैसे अभी देखिए पेशेंट ना, ये लेडी है जो डायरेक्टर है, एक कॉर्पोरेट की डायरेक्टर है, उसके 7-10 बार एंजियोप्लास्टी हो गई है, एक बाईपास हो, उसके बाद 50 मीटर नहीं चल पाती थी, जब हमारे पास आई देखिए उसकी हालत, सारे स्टेंट लंबे लंबे कितने स्टेंट लगा रही, बाईपास भी लगा, बाईपास भी बंद हो गए, सारी आर्टरीज बंद,
ऐसे इसको देख, इसका ना यहाँ भी दूसरा एक चंडीगढ़ का है, इसके देखो सारे ग्राम। अभी यूएसए से आया था, यूएसए वाले को उसको भी बाईपास हो गया, एंजियोप्लास्टिक हो गई ना, इतने सारी आर्टरीज पूरी तरह से बंद हो गई। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर हमारे पास आ गया। तो ये हालत है। तो जितने भी हम एंजियोप्लास्टिक बाईपास करते हैं, या स्टेंट्स कैसे मेडिकेटेड स्टेंट लगाते हैं, दूसरे स्टेंट लगाते हैं, या बाईपास करते हैं, स्टेंटिंग्स भी देते हैं, और इसमें इन रिसर्च हुई, जो रिसर्च हुई में बड़ा क्लियरली प्रूव हुआ कि एसेंशियली पेलिएटिव है ये, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये पेलिएशन है। पेलिएशन समझते हैं, आपको सिर दर्द हो गया, बुखार आ गया, आपने एक क्रोसिन खा ली, डोलो खा लिया, तो बुखार ठीक हो गया। आपको मलेरिया आया, आपने डोलो खा लिया, ठीक हो गया, पैरासिटामोल का ठीक हो गया, टेम्पररी 3-4 घंटे के लिए बुखार उतर गया ना, फिर तो आपको दोबारा आएगा ना। तो ऐसे ही हमने एंजियोप्लास्टी कर ली, कुछ समय के लिए आपने उसको थोड़ी देर के रास्ता दे दिया, फिर आपके अंदर तो वही सोच है, वही खाना पीना देखना सुनना बोलना खाना सब कुछ, वही समाज है आपके साथ, वही घर में पति पत्नी है, वही बच्चे हैं, उनको बदला आपने। हमारे पास आठ के पेशेंट आते ना, हम हमेशा पत्नी को कहते पत्नी को साथ लेके आना, या पत्नी बीमार होते हैं कहते हस्बैंड को साथ लेके आना। मैं पूछता हूँ पेपर ब्लॉक एंजियोग्राफी देख के पूछता हूँ, ये आपके इतने सारे ब्लॉक कैसे पैदा किए, तो क्या करता है वो, पति किसकी तरह देखता है, पत्नी को होते तो पत्नी किसकी तरह देखती है, पति की तरह देखती है, मतलब इसने ये बैठा सामने ना, इसलिए ये मेरे ब्लॉक करने पर, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो पत्नी को बदलना पड़े ना, पति को बदलना पड़े, नहीं बाईपास कर लो फिर पति पत्नी को बदलना पड़ेगा ना। तो ईगो प्रॉब्लम कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों का सिर निकालना पड़ेगा ना, दोनों का सिर बदलना पड़ेगा। तो मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट द एसेंशियली पैलिएटिव है डज नॉट एड्रेस द रूट कॉज, रूट कॉज को ठीक नहीं करते हैं, राइट। रूट कॉज क्या, जीन्स है हमारे, जीन्स हमारे रूट कॉज है, हमारे मेंटल स्ट्रेस हमारे रूट, जब मैंने बताया ना, जब बहुत सारे फैक्टर्स बताए, टाइप ऑफ बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन जो बताया ना सर, वो हमारा रूट कॉज है, हमारी डाइट हमारी रूट कॉज है, हमारी एक्सरसाइज की विधि, हम में से बहुत सारे, आप भी बहुत सारे लोग डेली कुछ शेयर करते हैं, कुछ ना, आप में से भी लोग 90% लोग गलत एक्सरसाइज करते हैं, आप कहते हो ठीक एक्सरसाइज करते हैं, पर आप मैं बताऊंगा तो आपको भी समझ आएगा आप गलत एक्सरसाइज करते, उससे आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, उससे आपको डायबिटीज बढ़ रही है, उससे आपकी बीमारियां बढ़ रही है। कहते हैं हम तो 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करते हैं, गलत करते हैं। डाइट एक्सरसाइज क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट डिजीज और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। रॉन्ग एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज रॉन्ग होती है, राइट एक्सरसाइज होनी चाहिए। और फिर हमारी जो है स्लीप, हमारी नींद कैसी है, हम किस समय सोते हैं, किस में उठते हैं और किस मोड में सोते हैं, और फिर हमारा टबैको यूज कैसा है या और कोई ड्रग्स हम कैसे लेते हैं। और इनका इलाज जो है आज वन डायमेंशनल है, सिर्फ बॉडी का इलाज है, इसलिए वो हम ये जानते हैं सीईडी साइकोसोमेटिक डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज। मैंने बताया आपको अमेरिका में जैसे 2013 की फिगर, 2006 की फिगर्स है, 13 लाख एंजियोप्लास्टी और 4.5 लाख बाईपास हुए एक साल में, उस समय की, अभी तो और ज्यादा बढ़ गए। और इसके बाद भी सब कुछ करने के बाद, एंजियोप्लास्टी बाईपास करने के बाद भी, एंजियोप्लास्टीज एंड स्टेंट्स डू नॉट प्रोलॉन्ग लाइफ, उससे लाइफ नहीं बढ़ती है। कोई समझे मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मेरी आर्टरी बंद हो गई, मैं एंजियोप्लास्टी करा लूं, स्टेंट लगवा लूं, मेडिकेटेड वाला बढ़िया वाला, मेरी उम्र बढ़ जाएगी, नहीं, उम्र नहीं बढ़ती, बल्कि और ज्यादा चांस हो जाते हार्ट अटैक आने के, हार्ट अटैक की प्रेवलेंस बढ़ जाती, इंसिडेंस बढ़ जाती, आपको ज्यादा चांस है हार्ट अटैक, क्योंकि आपने अच्छा वाला एक प्लाक था अंदर, उसको शांत बैठा था, उसको आपने तोड़ दिया, अंदर स्टेंट लगा दिया, वो इरिटेट हो गया, तो आपको और अधिक चांस है हार्ट अटैक का, राइट। और बाईपास सर्जरी प्रोलॉन्ग्स लाइफ इन लेस देन 5% 3% ऑफ पेशेंट्स। आप 100 लोगों का बाईपास करते हैं ना, 5 साल में लगता है 3 में से 3 लोगों की कुछ
उम्र बढ़ी, 10 साल उसी पेशेंट को फॉलो किया गया ना, 10 उस ग्रुप को जिनकी अपनी का बाईपास हुआ था, तो देखा गया उनकी उम्र नहीं बढ़ी। तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी कराने से उम्र नहीं बढ़ती। कई लोग सोचते हैं बाईपास कर लो फिर हमारी उम्र बढ़ जाएगी, और जबकि आप अगर लाइफस्टाइल बदल लें तो आपका क्या होगा, खाली हार्ट की बीमारी ठीक नहीं होती है बल्कि बहुत सारी बीमारियां, मन और तन की सभी बीमारियां ठीक हो जाती लगभग, ठीक है। क्योंकि जब आप लाइफ स्टाइल बदलते हैं तो आपकी सारी बॉडी की ऊपर से नीचे तक, इवन मन की, मन के भी, मन का भी परिवर्तन होता है ना, नहीं होगा खाली हार्ट पे से पड़ेगा क्या? जब आप लाइफ स्टाइल बदलेंगे तो खाली हार्ट पे से पड़ेगा, किसी किस पे असर पड़ेगा, सब पे असर पड़ेगा। ये इंटर हार्ट स्टडी में बताया गया कि 30,000 लोगों पर की गई थी, उसमें बताया 52 देशों में की गई थी, 5 कॉन्टिनेंट में की गई, कि अगर मेंटल स्ट्रेस ठीक कर लेते हैं तो आप लगभग 90% बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ये जो जीन्स की हमने बात की, ये भी 2009 में एक स्टडी आई थी, उसमें बताया गया मेडिटेशन अगर आप करते हैं रेगुलर और डाइट फॉलो करते हैं, डाइट माना एक लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, और फिर लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई जो एड्रेस की, वो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है अंदर एक घड़ी लगी है अंदर, उस घड़ी को सुनते हैं आप। अगर आज हम लाइफ कैसे जी रहे, जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बात की, आज आप प्रेशर वाइज लाइफ जी रहे। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर होकर मैं रात को 9 क्लिनिक से आता हूँ, तो मैं 9 आके डिनर कर रहा हूँ, 9 मैं अपने प्रोफेशन की वजह से लेट टाइम पर डिनर कर रहा हूँ। डिनर करने का टाइम क्या है? 7 अंधेरा होने से पहले, बिफोर डार्कनेस सेट्स इन। 6 आप में से कितने लोग 6 खाना खा लेते हैं? हाँ, तो जो 6 खा, 1, 2, 3 6 जो 6 खा लेते, 6 खा, मैं खा के आया हूँ, तो 6 खाना खा लेते हैं, तो 2 ने उठाया सर, 1 ने आधा उठाया, 2.5 ने उठाया। तो जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, हम लोग प्रेशर में खाना खा, प्रेशर के हिसाब से खाना खा रहे हैं, हमारे फूड के टाइमिंग, हमारे उठने के टाइमिंग, हमारे सोने के टाइमिंग, हमारे प्रेशर के हिसाब से। तो लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो घड़ी, जो अंदर की घड़ी है, जो 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 एक सर्किट रिदम है हमारी, उसको फॉलो करने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाना लोगों को, हमें खुद को क्या सीखना है। कई लोग हम खुद नहीं करते, दूसरों को कहते हैं यही कर लो कर लो कर लो, तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा क्या? दूसरों फॉलो करेंगे क्या? विल दे फॉलो इट? फॉलो इट नहीं करेंगे। यस, नहीं करेंगे। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप कमिटमेंट नहीं आएगी, जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है आपको समझ नहीं आएगी, आप लोगों को समझा नहीं सकेंगे, तब तक आप उसके एम्बॉडीमेंट नहीं बनेंगे। एक अंधेरा कमरा भी रोशनी पैदा कर सकता है क्या? एक लिट कमरा, वेल लिट कमरा दूसरों को रोशनी, उससे लोग अट्रैक्ट है। तो आपको ये समझना है कि हमें खुद को पहले लाइट हाउस माइट हाउस बनना पड़ेगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें एक टाइम है, सोने का भी टाइम है, उठने का भी टाइम, हम अंदर घड़ी है ना बायोलॉजिकल क्लॉक जो हाइपोथैलेमस में, और उसमें अगर आप करते हैं सोने का टाइम, उसमें अगर सोने जाते हैं तो आपकी स्लीप की साइकिल एकदम एक्यूरेट चलती है, आप उसमें अपने आप को पूरे 16 के लिए तैयार कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। अगर आप सोने ही 12 जाते हो तो आपके बारह प्रभाव गलत हो जाता है, आप रिफ्रेश भले 8 सो रहे तो भी आप रिफ्रेश नहीं हो सकते हो। और ऊपर सुबह सुबह जब उठते हैं हम 4 उठते हैं, तो 4 में जो हमारे जो हार्मोन निकलते हैं, जो हमारी यहाँ पर पिट्यूटरी सर्च होती है, 2 भी आगे आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल मॉडल जो है, इसका कौन सा प्रैक्टिकल मॉडल हमने किया है, जो रिसर्च हमने किया ना, उसको मैं आपको थोड़ा शेयर करूँगा, इसमें सब बातें आपके आंसर भी हो जाएंगे। हमने कहा ना हमारे जो अंदर अंदर जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, सोना उठना, हमें मेडिटेशन करना, प्लानिंग करना, हमारी सुबह ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, वो सब बातें उसमें अकॉर्डिंग टू क्लॉक हमारा सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो हार्मोन निकलते हैं, हमारे जो एसिड निकलता है खाना पचाने के लिए, हमारा ब्रेकफास्ट कैसा ब्रेकफास्ट, इस समय हमारा एसिड मैक्सिमम होता है, अगर वो टाइम पर ब्रेकफास्ट करते तो ठीक है, लंच किस समय होना चाहिए, लंच डिनर किस समय होना चाहिए, अगर वो टाइम के बाद आप डिनर करते हैं तो वो फिर कैसा होगा, आपकी इंसुलिन चाहिए, आपको एंजाइम्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, वो फिर बैलेंस में निकलते हैं। तो जो खाना आप खाते हैं ऐसे कैसा पड़ा रहता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, दैट क्रिएट्स मोर एसिडिटी, मोर टॉक्सिन्स, मोर ऑक्सीडेंट्स, मोर फ्री रेडिकल्स इन योर बॉडी, मोर टॉक्सिन इन योर बॉडी।
अगर आप प्रॉपर समय पर खा लेते हैं, अपनी घड़ी के अनुसार चलना चाहिए, अंदर की घड़ी के अनुसार। उन्होंने यही कहा कि आपकी अगर आप घड़ी के अनुसार चलेंगे तो आपके जो जीन्स है ना, जो बीमारी के जीन्स हैं आपके, जो जीन्स हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बीमारी के, कैंसर, हार्ट की बीमारी के, कैंसर के, ओबेसिटी के, हाइपरटेंशन के, डायबिटीज के, इंस्पिरेशन के, गठिया के जीन्स हैं, उनको आप टर्न ऑफ कर सकते हैं 3 महीने के अंदर, 3 महीने में टर्न ऑफ कर सकते हैं, और अच्छे जीन्स को आप टर्न ऑन कर सकते हैं। ये जो उस रिसर्च में पाया गया, हमने भी रिसर्च हमने प्लान की है, हम ये रिसर्च अभी करने जा रहे हैं कि हम जीन्स पे असर देखे राजयोग मेडिटेशन में। तो ये जो है पर इसको आपको सही ढंग समझना होगा, पहले खुद करेंगे तो दूसरों को परिवर्तन कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकल मॉडल जो हमने उसमें डॉक्टर कलाम साहब के साथ मिलकर जो रिसर्च शुरू की थी, पहले जब मैं स्पॉट्स पर, तभी हमने रिसर्च पर प्लान बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट कर दिया था, और ये प्लान हमने मुंबई हॉस्पिटल, ग्रांड मेडिकल कॉलेज और बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद और मौलाना मेडिकल कॉलेज दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको स्पॉन्सर किया था, फिर मैं माओ का भी शिफ्ट कर लिया 95 में, तब से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। और ये रिसर्च हमने 2011 में पब्लिश की और वर्ल्ड की टॉप 20 रिसर्चेज में से उस समय की थी 2011 में, 2013 में हमको इन्फॉर्म किया गया, 2013 में हमको बताया गया कि आप दो, ये जो स्टडी जो आपने पब्लिश की है ये टॉप 20 में नंबर 1 है, मतलब से टॉप 20 रिसर्च हुई है, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स एंड पब्लिक, और साइंटिफिक कंटेंट के हिसाब से बेस्ट है उसमें। और फिर 2015 में फिर हमको बताया, मतलब लगातार हमको 3-3 महीने बाद इन्फॉर्मेशन देते रहे, आपकी रिसर्च नंबर 1 है, नंबर 1 रही है, अभी नंबर 1 है, अभी लगातार 2.5 साल, लगभग 2 साल 4 महीने नंबर 1 स्पॉट पर, मतलब भारत की रिसर्च कभी भी इस तरह से नहीं रहती, एक बार कभी बाई चांस आ भी गई नंबर 1 पर, फिर दोबारा अगले 3 महीने में खत्म हो जाए, जबकि ये लगातार, और आज भी टॉप 20 में ही है आज भी ना, मतलब उसको हाँ जी क्या कहें, दोबारा नंबर 1 में क्यों नहीं आ रही आप, टॉप 20 में नंबर 1 पे रहे 2.5 साल, 2 साल 4 से आगे क्यों नहीं देखते नहीं, लक्ष्मी नारायण सारे उत्तर सारे सत्यों में वही राजा क्यों नहीं रहे। एक फिल्म जो शोले फिल्म थी, वो शोले फिल्म आज तक नंबर 1 पे क्यों नहीं चल रही है, नई आती नई चीजें आती, नई नई रिसर्च, हर साल 2 मिलियन रिसर्च पब्लिश होती है, हर साल 2 मिलियन रिसर्च पब्लिश होती है सारे वर्ल्ड में, उनमें नंबर 1, उनमें 2 लाख रिसर्च कार्डियोलॉजी के फील्ड में होती है, उसमें नंबर 1 है, फिर आगे आगे डेवलप होती है ना, आगे आगे जो पुरानी चीज ढक जाती है ना, पटने ढकते जाते हैं, फिर भी आज वो लोग बहुत डिमांड करते हैं सभी देशों में ही, आज भी मुझे बहुत सारे लेटर्स डॉक्टर्स की तरफ से आते हैं, US, UK और जापान पर, बहुत लोगों से, इटली से, रिसर्च हमें इसके बारे में, वांट नो मोर, वी वांट टू नो मोर। तो ये जो है, मतलब जो है अपनी, जैसे 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 लोग आगे बढ़ते हैं, नई चीजें आती है ना, तो लोग उसी तरफ जाते हैं ना, तो ये चीज मतलब इस फील्ड में, इसमें आज भी इसकी वैल्यू है, आफ्टर पब्लिकेशन 9 साल हो गए उसके बाद भी आज भी इसकी वैल्यू है, लोग मानते हैं। और फिर अभी 2017 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक अभी एक साइंटिफिक स्टेटमेंट आया था उनका, मेडिटेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क रिडक्शन, कि जो हार्ट की बीमारी उसका रिस्क कम करने के लिए उसमें मेडिटेशन का, उन्होंने एक साइंटिफिक स्टेटमेंट इशू किया, वो साइंटिफिक सारे वर्ल्ड में जाता है और वो लेटर ऑन किताबों में आ जाता है, टेक्स्ट बुक्स में आ जाता है। तो अभी जो हमने 2017 में जो स्टेटमेंट दिया है उसमें, साइंटिफिक स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने इसमें 2 ही स्टडी को इम्पोर्टेंस दिया, एक तो डी नॉनिश की स्टडी और एक स्टडी माउंट आबू ओपन हार्ट है ना, बाकी और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दुनिया में इस पर काम किया था अलग तरह से, कि तो उनको नहीं माना कि तो इस दोनों ही स्टडी को, ये जो रिसर्च जो हमने किया इसको ही उन्होंने तरजीह दी, और क्योंकि डी नॉनिश की स्टडी छोटी सी स्टडी थी हमारी, उससे बहुत बड़ी स्टडी है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। यही तरीका है जिससे हम हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बहुत सारी बीमारियों को एड्रेस कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को और जो एडिक्शंस हैं उनको हम कम कर सकते हैं। पता है इसमें मेडिकेशन को डॉक्टर पर कंक्लूसिव काम करने के लिए हमें और आगे बड़ी स्टडी करनी है और बड़ा काम है, इसलिए हम बड़ा आगे कर रहे हैं, वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस रिसर्च। बेसिकली जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है माइंड बॉडी रिलेशनशिप, जो मैंने बताया ना आपको, माइंड बॉडी या साइकोसोमेटिक या 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर का। नेगेटिव टीम जब हमारी होती है तो हमारे हाइपोथैलेमस में नेगेटिव केमिकल्स बनते हैं और हमारी सेल्स पे जाते हैं, वहाँ पे
उसमें उसके कारण से हमारी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और उस साथ साथ स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, उससे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आती है, उससे हमारे अंदर फीलिंग ऑफ डिसीज होती है। और वो नेगेटिव टीम जब हमारी आदत पड़ जाती है, हमारा पैटर्न बन जाता है, हमारा सोचने का पैटर्न वही आदत पड़, जैसे हमने कहा आपको जल्दीबाजी टाइप ए बिहेवियर आपको बन गया बचपन से, एंग्जाइटी की नेचर बन गई, आपको फियर रहने लगा, आपको फोबिया हो गया, आपको हमेशा आप बहुत एंगर में रहते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो ये आपकी नेचर बन गई ना, आप तो बार बार पे आप बहुत सेंसिटिव हो गए, तो वो जो नेचर बनती है वो आपके आठ ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उसमें से एक ऑर्गन सिस्टम जन्म से कमजोर होता है, उसी पर बार बार बम्बार्डमेंट होती है, बम्बार्डमेंट में से वो अंग पे जैसे अगर आपको लंग्स है तो आपको अस्थमा हो जाएगा, अगर आपका एंडोक्राइन सिस्टम तो डायबिटीज हो जाएगी, अगर हार्ट का हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगे, अगर आपका दिमाग में तो सेकेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आपकी बोन्स है तो बोन्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, आपको जो भी सिस्टम आपको वीक है, अगर आपका जीआई सिस्टम जन्म से कमजोर है तो आपको क्या होगा, आंतों में अल्सर हो जाएंगे, या आपका इम्यून सिस्टम को जाएगा कैंसर हो जाएगा आपको, या गठिया हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स आपको बीमारी हो जाएगी, मतलब बेसिक रूट कॉज वही है सभी बीमारियों का। और अगर आप अपने अंदर ये नेचर बदल दें, अपनी टीम को पॉजिटिव कर लें, तो आपकी सेल्स और ब्रेन सेल्स और ब्रेन बॉडी से आपके एंडोर्फिन निकलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव, रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और आप फीलिंग ऑफ वेलबीइंग, हैप्पीनेस, हेल्थ, फीलिंग ऑफ एनर्जी। तो अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचने की आदत डाल लें तो क्या होगा, क्या होगा, आपकी वो सिस्टम में बीमारी बढ़ सुनिश्चित। मेन बात है व्यवहार, आप कई बार आपने सुना होगा, यहाँ पर भी सुनते होंगे, अपने सेंटर में भी सुनते होंगे, कुछ अपने सीरीज भी सुनेंगे, लाल रंग की किरण आ रही है, हरे रंग की किरण आ रही है, पीले रंग की किरण आ रही है ना, खुशी की किरण पीले रंग की आ रही है, मेरी ब्लॉकेज खुल रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा पेट ठीक हो रहा है, मेरे अल्सर ठीक हो रहे हैं, मेरा ठीक ठीक होता है कैसे, बाबा ने कोई मुरली में ऐसा कहा है क्या, हाँ जी क्या कहें, विधि गलत है, सिद्धि हो ही नहीं सकती ना, आप ये हो सकता है लाइट का इफेक्ट, लाइट जल्दी थोड़ा इफेक्ट आएगा, पर सूरज की किरण के बगैर कीड़े मकोड़े मरेंगे नहीं, कीड़े मकोड़े कम मरेंगे सूरज की किरण आएगी, क्या बल्ब की लाइट से कीड़े मकोड़े मरेंगे, पैदा होंगे और ये अहंकार हो जाएगा। तो हमें विधि हमारी ठीक होनी चाहिए, बीमारी क्यों होती है, हमारे व्यवहार से बीमारी होती है, क्या आपको बीमारी क्यों हुई, आपने गुस्सा किया, वो गुस्से कारण आपने गलत खाना खाया, आपको दुखी हुए, आपको फीलिंग आई, आप उदास हुए, उससे आपको बीमारी, ना के कोई किरण आने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप अगर व्यवहार बदलेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको बात बड़ी क्लियर हो जाएगी, जब आप हेल्दी इंडिया की बात करें ना, माई इंडिया हेल्दी इंडिया, आप बैठ के आधा घंटा मेडिटेशन कर लिया और उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या बीमारी इस तरह से ठीक हुई थी, क्या आप बीमारी इसलिए हुई थी, क्या आपको आपके व्यवहार के कारण बीमारी आ गई, तो बीमार आपको व्यवहार अपना बदलना होगा, शांति वाला व्यवहार, रूहानी प्यार वाला व्यवहार, खुशी वाला व्यवहार, अतिथि सुख के अनुभूति वाला व्यवहार, आनंद वाला व्यवहार, सहनशीलता वाला व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार प्रैक्टिकली बदलेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। आपकी ब्लॉकेज क्यों हुई है, ऊपर से किरण आ रही है, प्यार की किरण आ रही है, ये शांति की किरण आ रही है, तो आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी, नहीं खुलेगा, आप दो दो साल से चार चार साल भी करते रहो कोई ब्लॉकेज नहीं खुलेगा, आपका व्यवहार बदलना चाहिए, आपके जीवन प्रैक्टिकल प्यार आना चाहिए, रूहानी रूहानी आनी चाहिए। क्रोध के कारण आपकी आर्टरीज ब्लॉक हुई है, तो क्रोध छोड़ेंगे तो ब्लॉकेज खुलेगा ना, नहीं डॉक्टर साहब मैं तो बहुत मेडिटेशन करता हूँ। पत्नी कही, मैंने कहा पत्नी से पूछते ना हम लोग, क्या कभी कैसे व्यवहार बदला क्या, ये डॉक्टर साहब ऐसे ही गुस्सा करते जैसे पहले करते, तो ब्लॉकेज निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। कहना बहुत आसान है, करना करना करके दिखाया आपने, तो मतलब करने के लिए आपको प्रैक्टिकली धरातल पे आना पड़ेगा, टू चेंज फ्रॉम इट से, सत्य की जो भगवान ने ज्ञान दिया, सत्य की समझ को जीवन में प्रैक्टिकली लाना है, हम इसी बात को एम्फेसाइज करते हैं, यही प्रैक्टिकली करते भी हैं, कि क्योंकि मैंने अपने हार्ट की मैरिज की है, 43 साल का मैं चश्मा, मैं 16 साल की उम्र में चश्मा लगा था मेरे को,
दूर का चश्मा भी था, नजदीक का चश्मा भी था, सिलिंड्रिकल एरर भी थी, तीन नंबर था मेरे आंखों में, चश्मा मेरा हट गया, दो साल से चश्मा नहीं मेरे को, कैसे हटा, मैंने ऑपरेशन कराया क्या? ऑपरेशन नहीं कराया, मेरे को ट्राइजमल एनेस्थीसिया हो गया था, मेरे ना यहाँ ऑपरेशन, मेरे आंख में ट्यूमर था, छोटी गांठ थी, श्वानोमा हो गया था, फिर उसका ऑपरेशन हुआ, नर्व काट दी, तो उसके बाद बताया कि मैंने एनेस्थीसिया हो गया। चश्मा हटा, वो तो मैंने हटाया नहीं, अपने आप हट गया, ऐसे ट्राइजमल एनेस्थीसिया मुझे हो गया, ये 2008 मेरा ऑपरेशन आंख का मुझे, मैंने कराया और मेरे को ट्राइजमल एनेस्थीसिया हो गया। उसके वो शूटिंग पेन पता है ट्राइजमल एनेस्थीसिया की पेन कैसी होती है, तो दीवार में सिर मारते हैं इतनी जोर से दर्द, बहुत शूटिंग पेन होता है, बहुत सीवियर क्यों पेन जाती है। अभी मेरा आधा सिर, वैसे आधा सिर सुन है क्योंकि नर्व काट चुके हैं ना, आधा सिर मेरा इधर का राइट साइड का ही नहीं, जैसे सेंसेशन ही नहीं है, तो बहुत सीवियर पेन होते हैं। जब शुरू हुई मेरे को पेन, तो मैंने इनसे बाबा से अमृत करके बात की, बाबा मैं दवाई शुरू कर दूँ क्या, मैं इसकी गोली खानी शुरू करूँ, इसकी गोली होती है जो कि आपके दिमाग को भी धीरे धीरे ब्लंट करती जाती है, डिमेंशिया होने लगता है, टेग्रेटोल खाते हैं ना, तो उसकी डोज भी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो मैंने कहा शुरू करो क्या, बाबा ने कहा बच्चे अगर तुम सोल कॉन्शियस रहोगे ना, शांत रहोगे ना, तो आपको पेन नहीं, और जैसे ही आपको थोड़ा सा इरिटेशन आएगी ना, गुस्सा आएगा ना, जल्दीबाजी आएगी तो पेन शुरू हो जाएगी, और रियल में यही होता है ना, जितना मैं शांत रहता हूँ मेरे पेन नहीं होती। मैंने अभी तक एक गोली की गोली नहीं खाई पिछले 12 साल में, एक भी गोली नहीं खाई, तो मेरे को अगर थोड़ा आज भी मैं जल्दीबाजी करने की कोशिश करूँ ना, तो मेरे को पेन शुरू हो जाए, तो मेरे को सेफ्टी बाल मिल गया हमेशा शांत रहने। 97 मुझे हार्ट की बीमारी हुई थी, 96 97, वो सबसे, मैं अगर बहुत लवफुल रहता हूँ सबसे, तो मेरे को हार्ट ठीक रहता, जैसे बी टेक मुझे होता था, बी टेक समझते हैं, कोई कैसा भी है अपने कर्म उसके साथ है, तो मैं सबको एक्सेप्ट कर लेता प्यार से, तो मेरे को कोई अरिथमिया नहीं होता। जैसे अगर आज भी मैं थोड़ा सा तो ये जो है सेफ्टी बाल मुझे मिला हुआ है ना, ये प्रैक्टिकल व्यवहार में परिवर्तन चाहिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं कोई थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल नहीं, थ्योरी नहीं, जब आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ परिवर्तन करेंगे, तो ये सपना बाबा का पूरा होगा, जो बाबा कहते हैं स्वस्थ दुनिया आने वाली, एवर हेल्दी, राजयोग से क्या एवर हेल्दी एवर हैप्पी दुनिया बनती है। कैसे बनती है? भाषण से, परिवर्तन करने से, स्वयं को परिवर्तन करने से। आज मैंने खान पान से अपने, मैंने लोगों को अच्छा फील करा दिया, हार्ट के पेशेंट है, मैंने खान पान का परिवर्तन किया, थोड़ा सा लोगों को अच्छे अच्छे वातावरण दिया, अच्छा सा भी बात की ढंग से, बात लोगों को दर्द कम हो जाएगी, लोग चल फिर लेंगे, फिर तो घर में जाके परिवर्तन, फिर दर्द शुरू हो जाएगा, ब्लॉक खुलेंगे, तो उनको परिवर्तन करने की पहले मैं परिवर्तन। दादी मुझे कहती थी, बड़ी दादी, दादी प्रकाश वाणी, कि गुप्ता जी, मेरे को दादी कहते हैं, अच्छा गुप्ता जी आपको हार्ट की बीमारी, तो आप क्या सिखाने वाले? मैंने कहा दादी ऐसे उनको ये को जल्दी जल्दी बाजी नहीं करनी, चिंता नहीं, गुस्सा नहीं। आपको कहते हैं आपको जल्दी चिंता गुस्सा होता है क्या? मैंने दादी थोड़ा थोड़ा तो होता है। फिर दादी कहती है, अच्छा आप ये खाते हो? मैंने कहा खान पान से क्या परहेज करना होता है? दादी मीठा नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। आप खाते हो क्या? गुरुवार को तो खाता ना, भूख खाता ना, आप तो तो खाता ना। कहते कौन सी मुंडी में लिखा है भूख खाना चाहिए, कौन सी मुंडी में लिखा है रोटी खानी चाहिए, उससे क्या सिद्ध, क्या क्या सिद्ध होता है, क्या प्रूव होता है, उससे आपकी स्थिति बनती है क्या? दादी स्थिति तो ऐसा कभी मुझसे मुंडी में लिखा हुआ? दादी कहते नहीं, आपको भी नहीं। जब आपकी कर्मेंद्रिया आपके कंट्रोल में होंगे, तो फिर आप दूसरों को कहेंगे तो लोग बदलेंगे, ये तो नहीं, तो आप अगर नहीं बदलेंगे तो दूसरे को आप कहेंगे और वो मानेंगे नहीं, उसका पाप आपको लगेगा। सुना आपने? मेरे अंदर जल्दीबाजी थी, चिंता था, गुस्सा था, जो भी थोड़ा इरिटेशन थी, जो भी थी, दादी ने पहले इसको निकालो तब दूसरों को बोलो, है ना, लगेगा ना। मैं लोगों को कह रहा हूँ एंजियोप्लास्टी नहीं कराओ, बाईपास नहीं कराओ, है ना, मैं बोल रहा हूँ ना उनको, नहीं कराओ इससे ठीक हो जाओगे, और वो कर नहीं पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ, कर नहीं पाएंगे, तो पाप मेरे को लगा नहीं लगा। मैंने बताया, आने से पहले बता चुका हूँ।
आप टाइप ए बिहेवियर एंजाइटी एंगर डिप्रेशन सिनिकल सिनिकल बिहेवियर हॉस्टाइल बिहेवियर बहुत सारे मैंने बताए बहुत सारे आपके आंसर पहले तो वो सारे बिहेवियर्स हैं सारे जो रिस्पॉन्सिबल डिप्रेशन सेंसिटिव नेचर इमोशनल नेचर ये सब के सब फैक्टर्स हैं अंदर मन में डर रहना हमेशा फियर रहना इनसिक्योरिटी फील करना मन को वेंटिलेट आउट नहीं करना जैसे बताया ना वेंटिलेट अपने मन की हर टेंशन सोने के बाद शेयर कर लेनी चाहिए किसी दोस्त से पत्नी से पति से बच्चों से शेयर करना चाहिए शेयर नहीं करते तो क्या होता है इसलिए कहते हैं अभी कहा जाता पहले अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता हजारों से फिर तो मैं पूरा नहीं होगा हाँ मैसेज करूंगा इनका सारा जिस टॉपिक के लिए आया हूँ टॉपिक ही रह जाएगा सुना आपने तो ये आवाज क्लियर हुई नहीं हुई आपको मैं करता हूँ अगर मैं कोशिश करूंगा तो वैसे टाइम तो कोई होने वाला है ये मैं छोड़ देता हूँ ये हमारा हार्ट है ये हमारे हार्ट की आर्टरीज है नॉर्मल आर्टरी ऐसी होती है ब्लॉक हो जाए तो ऐसी हो जाती है इसमें कितना ब्लड फ्लो जा रहा है इसमें कितना जाता है किसने ब्लॉक की है आर्टरी खुद ने हमारी जब पैदा हुए तो ऐसी आर्टरी थी किसने पैदा किसने ब्लॉक कर दी और कोलेस्ट्रॉल एक ही जगह पे क्यों जमा है सब जगह क्यों नहीं जम गया पूरी आर्टरी में कहीं किसी किसको पूरी आर्टरी में जमता है सब जगह नहीं जमता किसी किसको ऐसे जम जाता है किसी पर्टिकुलर जगह उसी जगह पे क्यों जमा किसको तीन आर्टरीज में सिर्फ एक ही जगह पर थोड़ी सी जगह पर ब्लॉक जमा हुआ है हमारी सोच एक सोच जो हमारी उस पर्टिकुलर जगह को डैमेज करती है उसके अंदर की लाइनिंग को डैमेज करती है वहीं पे ब्लॉक होता है देख रहे हैं नॉर्मल आर्टरी है ये नॉर्मल आर्टरी जो हमारी इलास्टिक आर्टरी होती है यही मैं आपको मेरा विशेष मेरा मतलब आपको कार्डियोवैस्कुलर बनाना मेरे को मेरा पर्पस है आपको थोड़ी सी बेसिक बात समझा दूं ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट भी हो जाए प्लस आप समझ सके कि हमारी जो बॉडी कैसा सिस्टम बना हुआ उसे मैं कैसे ठीक कर सकते जो जो हमारा ये नॉर्मल आर्टरी इलास्टिक है बचपन में बच्चा कितना दौड़ता है कितने पैर हाथ लाता है आपने देखा छोटे बच्चे को एक साल का बच्चा कितना छोटा छह महीने का बच्चा कितने पैर कितनी बार पैर चलाता है आप चला सकते हो लेट के जैसे ला के दिखाओ कितनी बार पैर चला सकते हो इतना बच्चा चलाता है पैर भी चलाता है हाथ भी चलाता है कितना दौड़ते हैं याद है अपने आप को देखो कितने दौड़ते थे आप बचपन में और अभी दौड़ सकते हो उतना क्यों नहीं दौड़ सकते क्योंकि जब आपकी आर्टरीज इलास्टिक है आप बचपन में है तो आपकी आर्टरीज इलास्टिक है छह गुना सप्लाई बढ़ सकती है डिमांड बढ़ने पर नॉर्मल डिमांड नॉर्मल सप्लाई 250 ml होती है और बढ़ने पर डिमांड बढ़ने पर 1500 ml एक मिनट में हो सकती है टोटल ब्लड सिर्फ 5 लीटर है टोटल बॉडी का ब्लड 5 लीटर है उसमें से डेढ़ लीटर आप हार्ट को दे सकते हैं डिमांड बढ़ने पर किंतु जब आप सारा टाइम स्ट्रेस में रहते हो डायबिटीज ब्लड प्रेशर मोटापा ओबेसिटी गलत खाना खाते हो सैर नहीं करते हो गलत सैर करते हो गलत टाइम पे सोते गलत टाइम पे उठते हो है ना तो क्या होता है आपकी कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होती है आपके एंडोथेलियम डैमेज होना शुरू होती है और ये आर्टरी जब क्या होती है ये प्लास्टिक बन जाती है क्या बन जाती है प्लास्टिक बन जाती है ये डिमांड बढ़ती है जब फिजिकल या मेंटल आप गुस्सा करते हो डिमांड बढ़ती है चिंता करते हो डिमांड बढ़ती है एंजाइटी पैदा होती है डिमांड बढ़ती है चलते हो वजन उठाते हो पहाड़ी पे चढ़ते हो डिमांड बढ़ती है हार्ट ज्यादा खून चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए हार्ट को तो 6 गुना बढ़ गए किंतु यहाँ पर जब डिमांड बढ़ी तो आर्टरी डायलेट नहीं होती है प्लास्टिक कभी खुलता नहीं है प्लास्टिक खुलता है क्या रबड़ फैलती है प्लास्टिक फैलता है क्या तो ये डिमांड बढ़ती नहीं है और इसलिए छाती इसको एंजाइना कहते हैं ये है एंजाइना आप पूछो ना एंजाइना लगभग जब 70% आर्टरी बंद हो जाती है तो एंजाइना होता है ये कुछ 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 लड़के कुछ भाई बहन स्पेशली भाई बहनें ज्यादा ऐसी होती हैं भाई कम होते हैं बहनें ज्यादा होती हैं भाई भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज तो 10-20% ही होता है 30-40% ही होता है किंतु जैसे छुई में का पौधा होता है ना थोड़ी स्ट्रेस होने पर थोड़ा डरने पर थोड़ा टेंशन आने पर उनकी आर्टरी 3 मिलीमीटर मोटी आर्टरी होती है लगभग वो सिकुड़ के 1 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर हो जाए तो क्या होगा वो जो 30% वाला ब्लॉक एकदम 60-70-80% जितना काम करता तो एंजाइना शुरू नॉर्मली 70% ही हमारी आर्टरी जब होने पर ब्लॉक छाती में दर्द होता है एंजाइना होता है किंतु जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको ज्यादा थोड़ी टेंशन आने पर क्या हो जाता है
वो आर्टरी सिकुड़ जाती है, इसको हम वेनस फास्टिंग एंजाइना कहते हैं। आज 10% लोगों को हार्ट अटैक बिना ही ब्लॉकेज के आ जाता है, 10-15% लोगों को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट की पंपिंग पावर भी कम हो गई, 60 की बजाय 25 रह गई, 30 रह गई, और एंजियोग्राफी कराई तो एंजियोग्राफी नॉर्मल है, डॉक्टर कुछ करने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, पर उसको हार्ट अटैक आ चुका है, उसका हार्ट डैमेज हो गया। कारण क्या? उस टेंशन में उसने क्या किया, क्लॉट बन गया उस हिस्से में, और क्लॉट बन गया उसने ब्लड फ्लो जाने नहीं दिया थोड़ी देर के लिए, और आगे वैसा डेड हो गया, डेड हो गया तो हार्ट अटैक। एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो हमारे हार्ट अटैक नहीं आएगा, एंजियोग्राफी नॉर्मल में भी हार्ट अटैक आ सकता है। आज जो यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं 18-20 साल की उम्र में, उनकी एंजियोग्राफी कराते 30-40% का ब्लॉक होता है, सिर्फ 30-40% ब्लॉक होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक ब्लॉक ज्यादा बड़ा नहीं होता, 80-90% नहीं होता, 30% ही ब्लॉक होता है, वो क्रैक हो जाता है, क्रैक उनके हार्ट अटैक। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ब्लॉक्स डू नॉट लीड टू हार्ट अटैक्स, ब्लॉक से कभी हार्ट अटैक नहीं होता, सारी आर्टरी में ब्लॉकेज है वो हार्ट अटैक तो होती है। इट इज द क्लॉट, जब आप टेंशन करते हो, जब आप स्ट्रेस में आते हो, जब आप गुस्सा करते हो, उदास होते हो, तो ये आर्टरी क्रैक हो जाती है, ये प्लाक क्रैक होके अचानक से क्लॉट बन जाता है, क्लॉट बन के आर्टरी सडनली 100% बंद हो जाती है। तो सडन 100% ब्लॉक लीड्स टू हार्ट अटैक, और डेथ कभी ब्लॉक होने से नहीं होती है आर्टरी, ये ध्यान रहे, डेथ हमेशा क्लॉट बनने से, क्या होने से होती है, क्लॉट, ब्लॉक डज नॉट लीड टू डेथ, इट इज द क्लॉट विच लीड्स टू, जो मैं थोड़ी देर पहले कहा ना आपको, हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक क्लॉट से होता है, और क्लॉट को हम टोटली, मैंने कहा हार्ट अटैक टोटली प्रिवेंटेबल है, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, हार्ट अटैक टोटली प्रिवेंटेबल है, हम टोटली खत्म कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं, आप क्लॉट बनने को टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लॉट बनने का कारण क्या है, डर, गुस्सा ना, चिंता, उदास, मन की बातें शेयर ना करना, ये कारण, ठीक बात है, कर सकते नहीं कर सकते इसको, कैसे कैसे कर सकते हो, मेडिटेशन से करें। तो यही है, थोड़े बचपन में 4-5 साल की उम्र से हमारी धीरे धीरे आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू होती है, ब्लॉक पड़ते 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 हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, फिर हम उसको एक्सटेंड करते हैं, बलून डालते हैं और फिर स्टेंट डालते हैं, बलून को इन्फ्लेट करते हैं और स्टेंट को अंदर छोड़ दिया जाता है, तो हमने बीमारी ठीक कर दी, क्या बीमारी ठीक हो गई, 5 साल की उम्र से ठीक होते 25 मिनट में हमने स्टेंट डाल के बाहर आ गया तो बीमारी खत्म हो गई, खत्म हुई क्या, क्योंकि हमने जहाँ स्टेंट लगाया ब्लॉक यहाँ हुआ था हमारे कारण से, हमने यहाँ स्टेंट लगा दिया, तो अब ब्लॉक इसके आगे आया, क्योंकि आपके मन तो वैसा ही है, आपका खान पान तो वही है, आपकी सोच तो वही है, नहीं, आपका परिवेश तो वही है, आपका व्यवहार तो पहले वाला ही है, फिर वही फिर ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक बात। तो बेसिक जो है हमें क्या करना है, जो बाईपास हम देखो स्टैंड देखो बंद हो जाते हैं, ऐसे स्टैंड स्टैंड है देखते हैं अंदर से बंद हो गए, बाईपास क्या, बाईपास और एंजियोप्लास्टी ऐसे जैसे पेड़ को ऊपर से काट दिया, जड़ अंदर ही है, और जड़ को हमने जड़ अंदर, फिर हाथ, फिर हवा पानी मिलेगा, वही हवा पानी वही सब चीज मिलेगा, क्या होगा, फिर पेट हरा हो जाएगा, कभी ओपन करेंगे, जब आप रिलैक्स होंगे ना, आपके नीचे टाइम पे है हमेशा परफेक्शनिस्ट, टाइम प्रेशर प्रेशर, मेरे हिसाब से काम, मैं ही धरती को चला रहा हूं, मैं ही घर को चला रहा हूं, आप बैठे घोड़े पे हो, सारा बोझ सिर के ऊपर बैठे के बैठे, सारा बोझ आपको लग रहा है, घोड़े को लग रहा है, आपको लग रहा है घोड़े को लग रहा है, आप घोड़े पे बैठे हो ना, तो बोझ तो घोड़े को लग रहा है ना, ये बीमारी इस कारण से होती है, मैं ही घर को चला रहा हूँ, जब तक आप लैक्स नहीं होंगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते, अगर आपका व्यवहार परिवर्तन करोगे तो ही तो कोलेटरल खुलेंगे, अगर आप कोलेटरल आपने, आप लोग ईसीपी कराते हैं ना आजकल, ईसीपी कराते हैं, ईसीपी कराते हैं, उसमें हम क्रशर देके हम कोलेटरल खोलते हैं, किंतु अगर आपका स्वभाव नहीं बदलता तो ईसीपी क्या करेगा, आपको परिवर्तन ठीक नहीं कर सकता, थोड़े दिन ठीक रहेगा, फिर जैसे बंद करेंगे ट्रीटमेंट 35 सीटिंग हो गई, फिर थोड़े दिन में बंद हो जाएगा, फिर इंजाइना शुरू हो जाएगा, किनेशन थेरेपी कराते हैं फिर दोबारा से बंद हो जाएगा, तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना, फिर तो अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपको रिलैक्स, ठीक है। तो मेरा आज का मैसेज, मैसेज टाइम भी पूरा हो गया, तो मेरा आज मैं मेरा आने का पर्पज यही था आपको
आपको अवेयरनेस क्रिएट कर रही है ना, क्योंकि आप कार्डलिस्ट तो है नहीं, तो आप लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो कि मेडिटेशन के द्वारा हम हार्ट की बीमारी को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। और इसका लिए हम लोग जो हमारा जो रिसर्च जो हम कर रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल परिवर्तन होना, ये 93% पेशेंट्स के ब्लॉक खुले, और ये जो है थोड़ा सा एंजियोग्राम दिखा सकता हूँ आपको, ये 90% ब्लॉक खुला है, ये तो बहुत पुरानी है, तो हमारे पास बहुत सारी एंजियोग्राफीज हैं, बहुत सारे से मुझे उनको कंपाइल करना है कि बहुत सारे कैसे कैसे ब्लॉक्स खुल रहे हैं, कैसे 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक्स खुले हैं, है ना, कैसे 90% 30% हो गए या 10% हो गए, ये देखिए इतना लंबा ब्लॉक देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ डिफ्यूज जो बताया डिफ्यूज डिजीज वो भी खुल जाते हैं, 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक खुल जाते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स देखिए सारे मल्टीपल ब्लॉक्स सारे खुल जाते हैं, 90 और 95% ब्लॉक खुल जाते, जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है हार्ट अटैक आने से वो भी ठीक हो जाते हैं ना, उनकी हार्ट की पंप, यू कैन रीजनरेट द हार्ट, जो स्टेम सेल थेरेपी करने के बाद सिर्फ 5% ही एवरेज हार्ट की इंजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ती है, वो आप इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये 30% 45% हो गए जैसे, ना ऐसे बहुत सारे पेशेंट की 25 थी जो आज 55% हो गई, ये ब्लॉक देखेंगे 20% इंजेक्शन फ्रैक्शन 50% हो गए, तो ये 100% ब्लॉक खुल गया, कंट्रोल ग्रुप में नहीं बढ़ खुले, क्योंकि उन्होंने यही डाइट ये एक्सरसाइज फॉलो किया किंतु मन को परिवर्तन किया, मेडिटेशन नहीं किया, तो उनके ब्लॉक नहीं खुले, और ही बढ़ गए। तो कई लोग नेचुरोपैथी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सारा दिन रात, एक्सरसाइज भी करते हैं, प्राणायाम, जो प्राणायाम के गुरु थे ना, जो प्राणायाम सिखाते थे लाखों लोगों को, उनको भी हार्ट अटैक, तो प्राणायाम करने से हार्ट अटैक नहीं खुलते हैं, मतलब हार्ट हार्ट के ब्लॉक्स नहीं खुलते हैं, बल्कि राजयोग के साथ प्राणायाम कभी करना नहीं चाहिए। आप में से कितने लोग प्राणायाम करते हैं, आप बताओ, कौन सी बुक में लिखा है प्राणायाम करना चाहिए, लिखा हो तो आप बाबा की श्रीमत फॉलो करते हो, रामदेव की श्रीमत फॉलो करते, लिखा अपना 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 सी भाई लिखा, कौन सी मुरली में आया, तो श्रीमत में मनमत मिक्स करते हो ना, तो हम दूसरों कैसे खाएंगे, समझना है ये बात, हठयोग से गुस्सा बढ़ता है, आपको पता है रिसर्च आई थी पीछे, एंगर कंटेंट बढ़ता है हठयोग से, नहीं आपने देखा नहीं, इतने जितने भी राम ये हठयोगी होते हैं गुस्सा फ्री होते हैं क्या, बाबा जी सारे गुस्से वाले होते हैं, एंगर फ्री होते हैं क्या, तो आप क्या बनना चाहते हो, एंगर एंगर फुल ध्यान रखना चाहिए, मेरे जो बाबा का तरीका है वो परफेक्ट तरीका है, इसमें अगर आपने श्रीमत में मनमत मिक्स कर देना, अगर आपने एक 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 बॉटल एक लीटर दूध दिया उसमें एक बूंद जहर डाल दिया तो क्या हो गया, श्रीमत में मनमत मिक्स करना परमत मिक्स करना जीरो हो जाता है, जहर बन जाता है, क्योंकि रूहानी प्यार से आप आज तक कोई स्टडी रामदेव ने रामदेव जी ने सिद्ध नहीं किया या पब्लिश नहीं किया जिसमें उन्होंने दिखाया ब्लॉक खुले, रामदेव जी खुद मना करते हैं प्राणायाम करने के लिए हार्ट के पेशेंट्स, और हम काफी लोग ब्लाइंडली यूज करते हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है, बाबा ने कहा हठयोगी कभी राजयोग सिखा नहीं सकते और राजयोगी कभी हठयोग सिखा नहीं सकते, जहां हठयोग खत्म होता है राजयोग शुरू होता है, ठीक है, इसलिए बड़ा क्लियर कंसेप्ट हमारे होने चाहिए, अगर हमारे कंसेप्ट ही कंफ्यूज हैं तो हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे, आपको पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब हम ये कर लें, हठयोग आप करते रहो कोई बात, ये भी कर लो ये भी कर, दोनों पार्टी में शब्द सुबह बीजेपी में शाम के राहत कांग्रेस में आप पर ऐसी आवश्यकता नहीं है, राजयोगी को आवश्यकता नहीं है, राजयोग तो बाबा का तीनों टाइम खाना खाओ ना, जो ब्रह्मा बाबा ने कि फॉलो फादर करना है ना हमको, कि फॉलो वो करना है अन्ना हजारे करना है, फॉलो फादर करना है ना हमको, तो बाबा ने सब कुछ करके दिखाया ना, प्रैक्टिस करके दिखाया, तो ये आप सोचो, तो मेरा ये देखा है आप ये ब्लॉक कैसे और ही बढ़ गया है, ये हमें देखना है कि 100% ब्लॉक भी हमारे खुल जाते हैं, देखिए कैल्सिफाइड ब्लॉक है 100% कैल्सिफाइड आर्टरी है बंद है, देखिए जब दोबारा इसने किया तो पूरी हट, तो ये आपका कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ उनकी अपनी लगन है, कई लोग कहते हैं आपने हम मैं आर्टरी क्लीन नहीं करता हूं, आर्टरी वो खुद क्लीन करता है शिव बाबा की एनर्जी लेकर अपने व्यवहार को परिवर्तन कर, तो हमें सिखाना लोगों को अपना आहार व्यवहार परिवर्तन करो, अपना आहार परिवर्तन करो, अपना विहार, विहार में खाली सैर नहीं आती,
बिहार में क्या क्या आता है? एक तो संग, सबसे पहले संग आता है, नींद आती है, एडिक्शन आता है, किन लोग से आपको उठना बैठना है, और फिर सैर आती है। आप कैसे कैसे वायुमंडल में रहते हो, कैसे वायुमंडल सैर, कैसे वायुमंडल सोते हो, ये सब कुछ बिहार के अंदर। तो जब तक आप इसको परिवर्तन नहीं करेंगे, और बाबा हमको वो सिखा रहा है, हमें बाबा एक नई दिनचर्या सिखा रहा है, नया जीवन सिखा रहा है कि बच्चे समय पर सो जाओ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी। 10 बजे सो जाओ, सो 4 बजे उठो, ये 4 बजे हमें उठना है। किंतु अगर अच्छे योगी बन गए 2 बजे भी उठ सकते हो, अगर आपको योग लगता है अच्छा पावरफुल, सदा आनंद में रहते हो, अतिंद्र सत्यम भूति में रहते हो, तो मुझे भी उठ सकते, और फिर मेडिटेशन, उसके बाद प्लानिंग करो, जो भी आपको प्लानिंग करनी है, उसके बाद इतना क्लियर क्लियर वॉइस होती है, आप क्लियर विजन होती है, आपको सब चीज क्लियर कंसेप्ट टच होती है, और फिर आप नहा धो के तैयार हो गए, फिर 7 बजे मुरली सुन, क्योंकि 8 बजे कॉर्टिसोल हार्मोन निकलने वाला है, वही हमने सिद्ध करके बताया कि कैसे कॉर्टिसोल हार्मोन कम कर सकते हो विद इन ए वीक, तो वो आप वो करो। अगर आप आरती 8 बजे तक टीम अपनी पॉजिटिव रखते हो, तो आपके कॉर्टिसोल हार्मोन, सैर करो, और सैर कैसे करो, चुप रहके, आप में से 90% लोग आप में से भी बातें करते सैर करते, है ना, वॉकिंग एंड टॉकिंग टूगेदर, मेडिटेटिव वॉक करो, परमात्मा की याद में सातों गुणों का अभ्यास करते हैं, मन चिंतन करते हैं। हाँ जी, वो सारा साल जब आप ये करें, आपको प्रोलैक्टिन रिलीज की सोचना ही नहीं है, जब मेडिटेशन करेंगे, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग 50 सर्ज होता है, हमने सारे हार्मोन्स करके देखे हैं, आप सारे हार्मोन्स को हार्मोनाइज कर देते हो, जितना जरूरी है बॉडी में हर हार्मोन को आप सेट कर सकते हो, मेलाटोनिन को भी सेट कर सकते, हमने थूक में भी ना, जो स्पूटम होता है थूक में भी हमने मेलाटोनिन करके देखा है, ओवरनाइट हम लोग एक कैथेटर लगा देते थे और वो हम सारी रात करते थे, सिक्रीशन लेके जो स्पूटम आता है ना अंदर से सलाइवा आता है, उसमें हमने सारी रात लोगों का सलाइवा पर उसमें मेलाटोनिन सिक्रीशन देखा है, 800% बढ़ गया, 800% बढ़ जाता है मेडिटेशन करने से, जो लोग मेडिटेशन करके सोते हैं ना 800% बढ़ जाता है, दुनिया में कहीं नहीं दिखाया गया ये वाली। तो ये जो है हम इतना बढ़ा सकते हैं, तो ये जो आपको करने का, फिर एक टाइम है ब्रेकफास्ट करने का, 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट, 8 से 9 ब्रेकफास्ट, लंच करो 1 से 2 के बीच, डिनर करो 6 बजे के पहले, 6 बजे 6 से 7 के बीच, 6:30 अपनी हैबिट डेवलप करो, भूख तो आपने मार दी है ना, गलत टाइम पे खाना शुरू कर दिया, ठीक है, टाइम पे और कम खाओ, शाम को थोड़ा खाओ, उनका राजा की तरह दिन में लंच मिडिल क्लास आदमी है, दिन में माही जाती है, खाली खाना मत खाओ, सूप ही पीओ, एक कप दूध ही पियो और 9 बजे सो जाओ, दैट इज द राइट। सर एक पॉइंट रहेंगे इसमें, राइट एक्सरसाइज क्या है? राइट एक्सरसाइज मैंने बताया ना, आपको बताया, मॉर्निंग वॉक करनी है विद सनराइज, स्नान करने के बाद करनी, सनराइज के बाद करनी, और साइलेंस में करनी, मेडिटेटिव, हमारी मेडिटेटिव वॉक, बातें करते हुए नहीं, और प्रॉपर ढंग से करनी है, और आपको एडी पे चलना है, अधिकतर लोग चलते हैं पंजे, पूरा पैर जमीन पे लगाते हैं सीधा, अगर आप एडी पे चलने, एडी पे, अगर एडी पे चलते तो आपके नी ज्वाइंट, बैक और गर्दन का स्पाइन तीनों ठीक रहते हैं, अगर आप पंजा पूरा जमीन पे रखते हैं एक साथ, तो आपको आपको क्या होगा, आपके नी ज्वाइंट भी डैमेज होते हैं, हिप ज्वाइंट भी और बैक भी और गर्दन। परमात्मा की याद में जब चलते हैं तो वैसे तो ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए, 110 स्टेप्स पर मिनट होनी चाहिए, 110 to 120, बहुत तेज चलने से फायदा नहीं है, कई लोग बहुत तेज चलते हैं, अब वो एक्शन कॉन्शियस होकर चलते हैं, मॉडरेट वॉक होनी चाहिए, बहुत तेज वॉक से फायदा नहीं, चश्मा कैसे रिमूव किया, मेरे को बहुत सीवियर टाइप का चश्मा कैसे मैंने अपने आप हो गया, मैं जी सर मैं मायोपिया से सफर करती हूँ और मेरी विजन लॉस हो रही ग्रेजुअली, इसलिए मुझे जानना है क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया अपने आप, मैंने पता नहीं चश्मा अगर पीछे ठीक करना है, चश्मे कैंप करने शुरू कर,
चल ठीक है जी, ठीक है बनासी में। मैंने बेसिक इनको कॉन्सेप्ट दे दिया है कि हमें किस तरह से अपने आप को क्लियर हमने सब कुछ किया। देखो ईजी भी किया, पेशेंट्स का हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी किया, सिंपैथेटिक पैरासिटिक एक्टिविटी भी किया, वो सारी बातें फिर कभी मिलूंगा तो आपसे बात करूंगा। हार्मोन्स भी किए सारे, सेरोटोनिन एंडोर्फिन्स भी किए, जो बताया ना एंडोर्फिन लेवल्स किए हैं हमने, कॉर्टिसोल लेवल्स किए 8 AM 4 PM, इंसुलिन लेवल्स किए हैं ना, सारा कुछ किया और सारा कुछ सिद्ध किया है, एक चीज सिद्ध किए कि कैसे कैसे हमारे अंदर हमें पैथोलॉजी को फिजियोलॉजी में बदलना, जो अपने अंदर का जो नॉर्मल सिस्टम है ना उसको हमने उसको एकदम फिजियोलॉजी बना दिया, उससे सारे प्रोसेस रिवर्स होने शुरू होंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ है। तो आप टीम बनाना चाहेंगे सर सेंट्रल में जैसे दूसरे फिर आप में से भी कुछ आप में से कुछ ओरिएंट करेंगे तो हम बहुत आप नाम देंगे तो हमको। हाँ जी, हाँ जी, तो वॉलेंटियर अगर आप में से कुछ करेंगे तो हम उनको जरूर उनको बुला के स्पेशल ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है। और जो भी नाम देना चाहें बनारसी भाई को देंगे, बनारसी भाई को मुझे बता दें, ठीक है। ओह शांति, थैंक यू सो मच। This is under publication. This article is under publication. तो हम इसको अभी किसको दे दें सर? ये under publication है। Publication में publish हो जाएगा फिर हम इसके किताब लिख रहे हैं। किताब market में जल्दी आ जाएगी, ठीक? Market में आपने शांति बनाए, ठीक? फिर आप देख पाएं। जब तक publish हो जाएगा। Thank you, गुप्ता जी। ये आप लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनकी आवाज ये खुद नहीं बोल रहे हैं, इनका कर्म बोल रहा है। ये जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं, यही तो सीखना था। हाँ, ये सीखने के लिए गाइड का जो प्रोग्राम होता है ना, सब इकट्ठे नहीं आए लेकिन थोड़े थोड़े लोग सर अलाउ करेंगे ना। अलाउ करेंगे, आप मुझे ईमेल भेजेंगे, मैं आपको अलाउ करूंगा, क्योंकि हम हर ग्रुप में थोड़े ऑब्जर्वर्स बुलाते हैं। तो अगर कुछ करना है तो दीवाने बनना है। गुप्ता जी को हम शुरू से देख रहा हूँ, एक ही पॉइंट प्रोग्राम, एक ही चीज लेकर के चल रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। ये आप नहीं सोचिए कि काम करेंगे तो जरूर प्रॉब्लम आएगी, कितनी प्रॉब्लम आई है, लेकिन डिटरमाइन, निश्चय बुद्धि और एक बाबा की याद से सब कुछ किनारा करते हुए आए, नंबर वन मेरी तरफ में नंबर वन ही है। तो इनके लिए जोर से ताली बजाएं। एक मिनट के बाबा को याद करें सर। नहीं आप भले चलिए, एक मिनट याद करें, फिर 5 मिनट और लेंगे आपका कुछ जरूरी सूचना कल के लिए। कल मेडिटेशन हम लोग का होगा ना, तो कल के लिए खुशियों से भरी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से